दोस्तों, अगर आप लोग भी युवरत्न मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, साथ ही में मूवी कहां पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता के रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पर मैं जो नई नई मूवीज़ आती है साउथ की, उनके फुल रिव्यूज़ करता हूँ और उन मूवीज़ के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। वैसे दोस्तों, युवरत्न मूवी को 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा रहा था। वैसे दोस्तों, मूवी के जो एक्टर है वो तो इस दुनिया के अंदर नहीं है, पर उनकी जो एक्टिंग है और उनका डांस है वो इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने वाला है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, कहानी क्या है, मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, बात करें मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है वो एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा और ड्रामा भी इस मूवी के अंदर भरपूर है। आगे बात करते हैं मूवी के बारे में तो रन टाइम इस मूवी का 2.5 घंटे का है, पर आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करें मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर उपलब्ध है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है अमेजन प्राइम पर। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि ये मूवी हमें फ्री में देखना है, तो भाई ये मूवी आपको फ्री में जो है वो अनऑफिशियल वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये मूवी जो थी उसको IMDB की तरफ से रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 6.2 की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। और दोस्तों, इस मूवी को 85% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से। मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष अनंत राम ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग शायद मूवीज़ देखते आ रहे होंगे साउथ की तो इनको जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और इन्होंने यश साथ ही में जो है यश कुमार के साथ भी मूवीज़ बनाई हुई है, जैसे कि गजा केसरी, मिस्टर एंड मिसेज रामजरी, और एक और मूवी बनाई थी इन्होंने राजा कुमारा, जो काफ़ी शानदार मूवी थी। और इस मूवी के अंदर भी आपको पुनीत राजकुमार देखने को मिल रहे थे। तो बात करें मूवी के मेन किरदार के बारे में तो मूवी के अंदर आपको पुनीत राजकुमार, सैयद सहगल, इसके अलावा सोनू, धनंजय, त्रिवेणी राव, काव्या सेठी, प्रकाश राज, बम ईरानी, राधिका शरद कुमार, साई कुमार, अविनाश, सुधा रानी, साधु कोकिला, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी शानदार है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जो पुनीत राजकुमार है वो यहाँ पर अर्जुन के रोल में है, और सैयद साहब है वो यहाँ पर वंदना के रोल में है, और सोनू यहाँ पर लवेर के रोल में होते हैं। नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस मूवी की कहानी समझ जाए वो भी आसानी से। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों ये मूवी हिट रही थी, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल का म्यूजिक जो होता है थमन एस का देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब सच में कमाल का म्यूजिक है और जो आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है युवरत्न की, जो युवरत्न की शुरुआत होती है, और आर के यूनिवर्सिटी के छात्रा समीरा द्वारा मेधावी छात्रा होने के बावजूद CET परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या से होती है। जो मूवी की कहानी में स्टार्टिंग में ही आपको एक लड़की जो है वो सुसाइड करते हुए देखने को मिलती है। फिर आगे कुछ होता यूँ है कि गुरुदेव देशमुख जो आर के यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते हैं और समीरा के शिक्षक भी है, और व्यवस्थित है और अपने पूर्व छात्र समर्थ भागवत के समर्थन से सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रभावशाली छात्रों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को धन को वंचित करने के लिए अवसरों में घिरावट के लिए निजी कॉलेजों के खिलाफ याचिका दायर करते हैं। जो वर्तमान बेंगलुरु DC और शिक्षा मंत्री रघु रेड्डी है, एंटली जोसेफ जो एक लाभ के लिए निजी कॉलेज चलाता है, यात्रिका को रोकने के लिए राज्य भर में गैंगस्टर भेजकर जवाबी कार्यवाही कराता है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है और उसकी पिटाई की जाती है। छात्र नेता अर्जुन जिसे कॉलेज के खिलाफ जाने के कारण बाहर निकल दिया होता है। तो कहानी दोस्तों, वैसे मैं आपको इस मूवी के शॉर्ट में समझाऊँ तो काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, और कहानी काफ़ी अमेजिंग है, जो हर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको अच्छी लगेंगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो दोस्तों एक अलग थोड़ी कहानी दिखाई गई है, जो कि ऐसी मूवीज़ मैंने पहले देखी नहीं है, बहुत ही कम मूवीज़ बनी है। शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण के कारण आर के कॉलेज बंद होने का कगार पर होता है, हालांकि प्रिंसिपल और एक छात्र ऐसा होने से रोकने के लिए हाथ मिला लेते हैं। तो
यही इस मूवी का मैन कहानी होता है। इस मूवी के अंदर जो हीरो होता है, यहाँ पर पुनीत है, मतलब जो अर्जुन है, वो इस कॉलेज को बचाता है। कॉलेज कॉलेज जो है क्यों बंद होने वाली थी, उसकी वजह आप इस मूवी को देखने तो जान जाएंगे, क्योंकि कॉलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हो रहे थे और बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे थे। इसलिए दोस्तों ये जो मूवी है वो आपको जो है बहुत कुछ सिखा भी देंगी, और मूवी आपको फुल एंटरटेनमेंट कराएंगी। कुल मिलाकर मूवी काफ़ी कमाल की है, डबिंग इस मूवी के काफ़ी सही है, और इस मूवी के गाने भी दोस्तों डब किए गए हैं। तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो अक्सर मूवी टीवी पर आती है, आप इस मूवी को टीवी पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है, अगर यूट्यूब प्रीमियर होता है तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आप सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको यहाँ पर जो नई मूवीज़ आती रहेंगी उनके बारे में जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को मिस मत कीजिए। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मूवी आपको कैसे लगी। बाकी दोस्तों ये मूवी यूट्यूब पर आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों अगर आप लोग भी युवरत्न मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, साथ ही में मूवी कहां पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता के रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहां पर मैं जो नई नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके फुल रिव्यूज़ करता हूँ और उन मूवीज़ के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। वैसे दोस्तों युवरत्न मूवी को 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा रहा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो एक्टर है वो तो इस दुनिया के अंदर नहीं है, पर उनकी जो एक्टिंग है और उनका डांस है वो इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने वाला है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, कहानी क्या है, मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है वो एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा, और ड्रामा भी इस मूवी के अंदर भरपूर है। आगे बात करते हैं मूवी के बारे में, तो रन टाइम इस मूवी का 2.5 घंटे का है, पर आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करें मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर उपलब्ध है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है अमेजन प्राइम पर। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि ये मूवी हमें फ्री में देखना है, तो भाई ये मूवी आपको फ्री में जो है वो अनऑफिशियल वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी जो थी उसको IMDB की तरफ से रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 6.2 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। और दोस्तों इस मूवी को 85% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से। मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष आनंद राम ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग शायद मूवीज़ देखते आ रहे होंगे साउथ की तो इनको जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है, और इन्होंने यश साथ ही में जो है यश कुमार के साथ भी मूवीज़ बनाई हुई है, जैसे कि गजा केसरी, मिस्टर एंड मिसेज रामजरी, और एक और मूवी बनाई थी इन्होंने राजा कुमारा, जो काफ़ी शानदार मूवी थी। और इस मूवी के अंदर भी आपको पुनीत राजकुमार देखने को मिल रहे थे। तो बात करें मूवी के मेन किरदार के बारे में, तो मूवी के अंदर आपको पुनीत राजकुमार, सैयद सहगल, इसके अलावा सोनू, धनंजय, त्रिवेणी राव, काव्या सेठी, प्रकाश राज, बम ईरानी, राधिका शरद कुमार, साई कुमार, अविनाश, सुधा रानी, साधु कोकिला, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी शानदार है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जो पुनीत राजकुमार है वो यहाँ पर अर्जुन के रोल में है, और सैयद साहब यहाँ पर वंदना के रोल में है, और सोनू यहाँ पर लवेर के रोल में होते हैं। नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस मूवी की कहानी समझ जाए वो भी आसानी से। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों ये मूवी हिट रही थी, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल का म्यूजिक जो होता है थमन एस का देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब सच में कमाल का म्यूजिक है और जो आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में, कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है युवरत्न की, जो युवरत्न की शुरुआत होती है, और RK यूनिवर्सिटी के छात्रा समीरा द्वारा मेघावी छात्रा होने के बावजूद CET परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या से होती है। जो मूवी की कहानी में स्टार्टिंग में ही आपको एक लड़की जो है वो सुसाइड करते हुए देखने को मिलती है। फिर आगे कुछ होता यूं है कि गुरुदेव देशमुख जो RK यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते हैं और समीरा के शिक्षक भी है, और व्यवस्थित है, और अपने पूर्व छात्र समर्थ भागवत के समर्थन से
सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रभावशाली छात्रों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को धन को वंचित करने के लिए अवसरों में घिरावट के लिए निजी कॉलेजों के खिलाफ याचिका दायर करते हैं, जो वर्तमान बेंगलुरु डीसी और शिक्षा मंत्री रघु रेड्डी है। एंटली जोसेफ, जो एक लाभ के लिए निजी कॉलेज चलाता है, यात्रिका को रोकने के लिए राज्य भर में गैंगस्टर भेजकर जवाबी कार्यवाही कराता है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है और उसकी पिटाई की जाती है। छात्र नेता अर्जुन, जिसे कॉलेज के खिलाफ जाने के कारण बाहर निकल दिया होता है। तो कहानी दोस्तों, वैसे मैं आपको इस मूवी के शॉर्ट में समझाऊँ तो काफ़ी सिंपल है, जो आप इसके बारे में समझ जाएंगे, और कहानी काफ़ी अमेजिंग है, जो हर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको अच्छी लगेंगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो दोस्तों एक अलग थोड़ी कहानी दिखाई गई है, जो कि ऐसी मूवीज़ मैंने पहले देखी नहीं है, बहुत ही कम मूवीज़ बनी है। शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण के कारण आर के कॉलेज बंद होने का कगार पर होता है। हालांकि प्रिंसिपल और एक छात्र ऐसा होने से रोकने के लिए हाथ मिला लेते हैं। तो यही इस मूवी का मेन कहानी होता है। इस मूवी के अंदर जो हीरो होता है, यहाँ पर पुनीत है, मतलब जो अर्जुन है, वो इस कॉलेज को बचाता है। कॉलेज जो है क्यों बंद होने वाली थी, उसकी वजह आप इस मूवी को देखेंगे तो जान जाएंगे, क्योंकि कॉलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हो रहे थे और बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे थे। इसलिए दोस्तों, ये जो मूवी है वो आपको जो है बहुत कुछ सिखा भी देंगी, और मूवी आपको फुल एंटरटेनमेंट कराएंगी। कुल मिलाकर मूवी काफ़ी कमाल की है। डबिंग इस मूवी के काफ़ी सही है, और इस मूवी के गाने भी दोस्तों डब किए गए हैं। तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो अक्सर मूवी टीवी पर आती है, आप इस मूवी को टीवी पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है। अगर यूट्यूब प्रीमियर होता है तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आप सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको यहाँ पर जो नई मूवीज़ आती रहेंगी उनके बारे में जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को मिस मत कीजिए। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मूवी आपको कैसे लगी। बाकी दोस्तों, ये मूवी यूट्यूब पर आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, अगर आप लोग भी युवरत्न मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, साथ ही में मूवी कहां पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता के रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहां पर मैं जो नई नई मूवीज़ आती है साउथ की, उनके फुल रिव्यूज़ करता हूँ और उन मूवीज़ के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। वैसे दोस्तों, युवरत्न मूवी को 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा रहा था। वैसे दोस्तों, मूवी के जो एक्टर है वो तो इस दुनिया के अंदर नहीं है, पर उनकी जो एक्टिंग है और उनका डांस है वो इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने वाला है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, कहानी क्या है, मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूं। दोस्तों, बात करें मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है वो एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा, और ड्रामा भी इस मूवी के अंदर भरपूर है। आगे बात करते हैं मूवी के बारे में, तो रन टाइम इस मूवी का 2.5 घंटे का है, पर आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करें मूवी हिंदी के अंदर कहां पर उपलब्ध है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है अमेजन प्राइम पर। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि ये मूवी हमें फ्री में देखना है, तो भाई ये मूवी आपको फ्री में जो है वो अनऑफिशियल वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी, जहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी जो थी उसको IMDB की तरफ से रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10/6.2 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। और दोस्तों, इस मूवी को 85% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से। मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष अनंतराम ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग शायद मूवीज़ देखते आ रहे होंगे साउथ की, तो इनको जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है, और इन्होंने यश साथ ही में जो है यश कुमार के साथ भी मूवीज़ बनाई हुई है, जैसे कि गजा केसरी, मिफ्टर एंड मिसेज रामजरी, और एक और मूवी बनाई थी इन्होंने राजा कुमारा, जो काफ़ी शानदार मूवी थी, और इस मूवी के अंदर भी आपको पुनीत राजकुमार देखने को मिल रहे थे। तो बात करें मूवी के मैन किरदार के बारे में, तो मूवी के अंदर आपको पुनीत राजकुमार, सैयद सहगल, इसके अलावा सोनू, धनंजय, त्रिवेणी राव, काव्या सेठी, प्रकाश राज, बम ईरानी, राधिका शरद कुमार, साई कुमार, अविनाश, सुधा रानी, साधु कोकिला, और भी यहां पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी शानदार है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जो पुनीत राजकुमार है वो यहां पर अर्जुन के रोल में है,
और सैयद साहब यहाँ पर वंदना के रोल में है और सोनू यहाँ पर लवेर के रोल में होते हैं। नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस मूवी की कहानी समझ जाए वो भी आसानी से। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों ये मूवी हिट रही थी और इस मूवी के अंदर आपको कमाल का म्यूजिक जो होता है थमन एस का देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब सच में कमाल का म्यूजिक है और जो आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है युवरत्न की, जो युवरत्न की शुरुआत होती है और आर के यूनिवर्सिटी के छात्रा समीरा द्वारा मेधावी छात्रा होने के बावजूद CET परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या से होती है। जो मूवी की कहानी में स्टार्टिंग में आपको एक लड़की जो है वो सुसाइड करते हुए देखने को मिलती है। फिर आगे कुछ होता यूँ है कि गुरुदेव देशमुख जो आर के यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते हैं और समीरा के शिक्षक भी है और व्यवस्थित है और अपने पूर्व छात्र समर्थ भागवत के समर्थन से सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रभावशाली छात्रों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को धन को वंचित करने के लिए अवसरों में घिरावट के लिए निजी कॉलेजों के खिलाफ याचिका दायर करते हैं। जो वर्तमान बेंगलुरु DC और शिक्षा मंत्री रघु रेड्डी है। एंटली जोसेफ जो एक लाभ के लिए निजी कॉलेज चलाता है, यात्रिका को रोकने के लिए राज्यभर में गैंगस्टर भेजकर जवाबी कार्यवाही कराता है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है और उसकी पिटाई की जाती है। छात्र नेता अर्जुन जिसे कॉलेज के खिलाफ जाने के कारण बाहर निकल दिया होता है। तो कहानी दोस्तों वैसे मैं आपको इस मूवी के शॉर्ट में समझाऊँ तो काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बारे में समझ जाएंगे और कहानी काफ़ी अमेजिंग है, जो हर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको अच्छी लगेंगी क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो दोस्तों एक अलग थोड़ी कहानी दिखाई गई है, जो कि ऐसी मूवीज़ मैंने पहले देखी नहीं है, बहुत ही कम मूवीज़ बनी है। शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण के कारण आर के कॉलेज बंद होने का कगार पर होता है। हालांकि प्रिंसिपल और एक छात्र ऐसा होने से रोकने के लिए हाथ मिला लेते हैं। तो यही इस मूवी का मेन कहानी होता है। इस मूवी के अंदर जो हीरो होता है यहाँ पर पुनीत है, मतलब जो अर्जुन है वो इस कॉलेज को बचाता है। कॉलेज जो है क्यों बंद होने वाली थी उसकी वजह आप इस मूवी को देखने तो जान जाएंगे, क्योंकि कॉलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हो रहे थे और बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे थे। इसलिए दोस्तों ये जो मूवी है वो आपको जो है बहुत कुछ सिखा भी देंगी और मूवी आपको फुल एंटरटेनमेंट कराएंगी। कुल मिलाकर मूवी काफ़ी कमाल की है, डबिंग इस मूवी के काफ़ी सही है और इस मूवी के गाने भी दोस्तों डब किए गए हैं। तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो अक्सर मूवी टीवी पर आती है, आप इस मूवी को टीवी पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है, अगर यूट्यूब प्रीमियर होता है तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको यहाँ पर जो नई मूवीज़ आती रहेंगी उनके बारे में जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को मिस मत कीजिए। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मूवी आपको कैसे लगी। बाकी दोस्तों ये मूवी यूट्यूब पर आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों अगर आप लोग भी युवरत्न मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, साथ ही में मूवी कहां पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता के रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पर मैं जो नई नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके फुल रिव्यूज़ करता हूँ और उन मूवीज़ के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। वैसे दोस्तों युवरत्न मूवी को 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा रहा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो एक्टर है वो तो इस दुनिया के अंदर नहीं है, पर उनकी जो एक्टिंग है और उनका डांस है वो इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने वाला है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, कहानी क्या है, मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है वो एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा और ड्रामा भी इस मूवी के अंदर भरपूर है। आगे बात करते हैं मूवी के बारे में, तो रन टाइम इस मूवी का 2.5 घंटे का है, पर आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करें मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर उपलब्ध है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है अमेजन प्राइम पर। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि ये मूवी हमें फ्री में देखना है, तो भाई ये मूवी आपको फ्री में जो है वो अनऑफिशियल वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी जो थी उसको IMDb की तरफ से रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली थी, क्योंकि जो IMDb है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 6.2 की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं।
और दोस्तों इस मूवी को 85% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से। मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष अनंतराम ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग शायद मूवीज़ देखते आ रहे होंगे साउथ की, तो इनको जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है। और इन्होंने यश साथ ही में जो है यश कुमार के साथ भी मूवीज़ बनाई हुई है, जैसे कि गजा केसरी, मिफ्टर एंड मिसेज रामजरी, और एक और मूवी बनाई थी इन्होंने राजा कुमारा, जो काफ़ी शानदार मूवी थी। और इस मूवी के अंदर भी आपको पुनीत राजकुमार देखने को मिल रहे थे। तो बात करें मूवी के मेन किरदार के बारे में, तो मूवी के अंदर आपको पुनीत राजकुमार, सैयद सहगल, इसके अलावा सोनू, धनंजय, त्रिवेणी राव, काव्या सेठी, प्रकाश राज, बम ईरानी, राधिका शरद कुमार, साई कुमार, अविनाश, सुधा रानी, साधु कोकिला, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी शानदार है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जो पुनीत राजकुमार है, वो यहाँ पर अर्जुन के रोल में है, और सैयद साहब यहाँ पर वंदना के रोल में है, और सोनू यहाँ पर लवेर के रोल में होते हैं। नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस मूवी की कहानी समझ जाए वो भी आसानी से। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों ये मूवी हिट रही थी, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल का म्यूजिक जो होता है थमन एस का देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब सच में कमाल का म्यूजिक है, और जो आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में, कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है युवरत्न की, जो युवरत्न की शुरुआत होती है, और आर के यूनिवर्सिटी के छात्रा समीरा द्वारा मेघावी छात्रा होने के बावजूद CET परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या से होती है। जो मूवी की कहानी में स्टार्टिंग में ही आपको एक लड़की जो है वो सुसाइड करते हुए देखने को मिलती है। फिर आगे कुछ होता यूँ है कि गुरुदेव देशमुख, जो आर के यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते हैं और समीरा के शिक्षक भी है, और व्यवस्थित है, और अपने पूर्व छात्र समर्थ भागवत के समर्थन से सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रभावशाली छात्रों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को धन को वंचित करने के लिए अवसरों में घिरावट के लिए निजी कॉलेजों के खिलाफ याचिका दायर करते हैं। जो वर्तमान बेंगलुरु DC और शिक्षा मंत्री रघु रेड्डी है, एंटली जोसेफ, जो एक लाभ के लिए निजी कॉलेज चलाता है, यात्रिका को रोकने के लिए राजभर में गैंगस्टर भेजकर जवाबी कार्यवाही कराता है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है और उसकी पिटाई की जाती है। छात्र नेता अर्जुन, जिसे कॉलेज के खिलाफ जाने के कारण बाहर निकल दिया होता है। तो कहानी दोस्तों, वैसे मैं आपको इस मूवी के शॉर्ट में समझाऊँ तो काफ़ी सिंपल है, जो आप इसके बारे में समझ जाएंगे, और कहानी काफ़ी अमेजिंग है, जो हर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको अच्छी लगेंगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो दोस्तों एक अलग थोड़ी कहानी दिखाई गई है, जो कि ऐसी मूवीज़ मैंने पहले देखी नहीं है, बहुत ही कम मूवीज़ बनी है। शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण के कारण आर के कॉलेज बंद होने का कारोबार होता है, हालांकि प्रिंसिपल और एक छात्र ऐसा होने से रोकने के लिए हाथ मिला लेते हैं। तो यही इस मूवी का मेन कहानी होता है। इस मूवी के अंदर जो हीरो होता है, यहाँ पर पुनीत है, मतलब जो अर्जुन है, वो इस कॉलेज को बचाता है। कॉलेज जो है क्यों बंद होने वाली थी, उसकी वजह आप इस मूवी को देखेंगे तो जान जाएंगे, क्योंकि कॉलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हो रहे थे और बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे थे। इसलिए दोस्तों ये जो मूवी है वो आपको जो है बहुत कुछ सिखा भी देंगी, और मूवी आपको फुल एंटरटेनमेंट कराएंगी। कुल मिलाकर मूवी काफ़ी कमाल की है, डबिंग इस मूवी के काफ़ी सही है, और इस मूवी के गाने भी दोस्तों डब किए गए हैं। तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो, तो अक्सर मूवी टीवी पर आती है, आप इस मूवी को टीवी पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है, अगर YouTube प्रीमियर होता है तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको यहाँ पर जो नई मूवीज़ आती रहेंगी उनके बारे में जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को मिस मत कीजिए। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको कैसे लगी। बाकी दोस्तों ये मूवी यूट्यूब पर आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों अगर आप लोग भी युवरत्न मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो, तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, साथ ही में मूवी कहां पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता के रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पर मैं जो नई नई मूवीज़ आती है साउथ की, उनके फुल रिव्यूज़ करता हूँ और उन मूवीज़ के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। वैसे दोस्तों युवरत्न मूवी को 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा रहा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो एक्टर है वो तो इस दुनिया के अंदर नहीं है, पर उनकी जो एक्टिंग है और उनका डांस है वो इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने वाला है। तो
तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, कहानी क्या है, मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों बात करें मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है वो एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा और ड्रामा भी इस मूवी के अंदर भरपूर है। आगे बात करते हैं मूवी के बारे में, तो रन टाइम इस मूवी का 2.5 घंटे का है, पर आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करें मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर उपलब्ध है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है अमेजन प्राइम पर। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि ये मूवी हमें फ्री में देखना है, तो भाई ये मूवी आपको फ्री में जो है वो अनऑफिशियल वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी जो थी उसको IMDb की तरफ से रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली थी, क्योंकि जो IMDb है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 6.2 की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। और दोस्तों इस मूवी को 85% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से। मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष अनंत राम ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग शायद मूवीज़ देखते आ रहे होंगे साउथ की तो इनको जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और इन्होंने यश साथ ही में जो है यश कुमार के साथ भी मूवीज़ बनाई हुई है, जैसे कि गजा केसरी, मिफ्टर एंड मिसेज रामजरी, और एक और मूवी बनाई थी इन्होंने राजा कुमारा, जो काफ़ी शानदार मूवी थी। और इस मूवी के अंदर भी आपको पुनीत राजकुमार देखने को मिल रहे थे। तो बात करें मूवी के मेन किरदार के बारे में, तो मूवी के अंदर आपको पुनीत राजकुमार, सैयद सहगल, इसके अलावा सोनू, धनंजय, त्रिवेणी राव, काव्या सेठी, प्रकाश राज, बम ईरानी, राधिका शरद कुमार, साई कुमार, अविनाश, सुधा रानी, साधु कोकिला, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी शानदार है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जो पुनीत राजकुमार है वो यहाँ पर अर्जुन के रोल में है, और जो सैयद शाह है वो यहाँ पर वंदना के रोल में है, और सोनू यहाँ पर लवेर के रोल में होते हैं। नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस मूवी की कहानी समझ जाए वो भी आसानी से। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों ये मूवी हिट रही थी, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल का म्यूजिक जो होता है थमन एस का देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब सच में कमाल का म्यूजिक है और जो आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है युवरत्न की शुरुआत होती है, और RK यूनिवर्सिटी के छात्रा समीरा द्वारा मेघावी छात्रा होने के बावजूद CET परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या से होती है। जो मूवी की कहानी में स्टार्टिंग में ही आपको एक लड़की जो है वो सुसाइड करते हुए देखने को मिलती है। फिर आगे कुछ होता यूँ है कि गुरुदेव देशमुख जो RK यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते हैं और समीरा के शिक्षक भी हैं और व्यवस्थित है, और अपने पूर्व छात्र समर्थ भागवत के समर्थन से सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रभावशाली छात्रों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को धन को वंचित करने के लिए अवसरों में घिरावट के लिए निजी कॉलेजों के खिलाफ याचिका दायर करते हैं, जो वर्तमान बेंगलुरु DC और शिक्षा मंत्री रघु रेड्डी है। एंटली जोसेफ जो एक लाभ के लिए निजी कॉलेज चलाता है, यात्रिका को रोकने के लिए राज्यभर में गैंगस्टर भेजकर जवाबी कार्यवाही कराता है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है और उसकी पिटाई की जाती है। छात्र नेता अर्जुन जिसे कॉलेज के खिलाफ जाने के कारण बाहर निकाल दिया होता है। तो कहानी दोस्तों वैसे मैं आपको इस मूवी के शॉर्ट में समझाऊँ तो काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बारे में समझ जाएंगे, और कहानी काफ़ी अमेजिंग है, जो हर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको अच्छी लगेंगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो दोस्तों एक अलग थोड़ी कहानी दिखाई गई है, जो कि ऐसी मूवीज़ मैंने पहले देखी नहीं है, बहुत ही कम मूवीज़ बनी है। शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण के कारण RK कॉलेज बंद होने का कगार पर होता है, हालांकि प्रिंसिपल और एक छात्र ऐसा होने से रोकने के लिए हाथ मिला लेते हैं। तो ये इस मूवी का मेन कहानी होता है। इस मूवी के अंदर जो हीरो होता है वो यहाँ पर पुनीत है, मतलब जो अर्जुन है वो उस कॉलेज को बचाता है। कॉलेज जो है क्यों बंद होने वाली थी उसकी वजह आप इस मूवी को देखने तो जान जाएंगे, क्योंकि कॉलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हो रहे थे और बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे थे। इसलिए दोस्तों ये जो मूवी है वो आपको जो है बहुत कुछ सिखा भी देंगी और मूवी आपको फुल एंटरटेनमेंट कराएंगी। कुल मिलाकर मूवी काफ़ी कमाल की है, डबिंग इस मूवी के काफ़ी सही है और इस मूवी के गाने भी दोस्तों डब किए गए हैं, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। अगर आप इस मूवी को TV पर देखना चाहते हो तो अक्सर मूवी TV पर आती है, आप इस मूवी को TV पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है, अगर YouTube प्रीमियर होता है तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको यहाँ पर जो नई मूवीज़ आती रहेंगी उनके बारे में जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी।
तो काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को मिस मत कीजिए। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मूवी आपको कैसे लगी। बाकी दोस्तों ये मूवी यूट्यूब पर आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों अगर आप लोग भी युवरत्न मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, साथ ही में मूवी कहां पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता के रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पर मैं जो नई नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके फुल रिव्यूज़ करता हूँ और उन मूवीज़ के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। वैसे दोस्तों युवरत्न मूवी को 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा रहा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो एक्टर है वो तो इस दुनिया के अंदर नहीं है, पर उनकी जो एक्टिंग है और उनका डांस है वो इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने वाला है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, कहानी क्या है, मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है वो एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा, और ड्रामा भी इस मूवी के अंदर भरपूर है। आगे बात करते हैं मूवी के बारे में, तो रन टाइम इस मूवी का 2.5 घंटे का है, पर आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करें मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर उपलब्ध है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है अमेजन प्राइम पर। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि ये मूवी हमें फ्री में देखना है, तो भाई ये मूवी आपको फ्री में जो है वो अनऑफिशियल वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी जो थी उसको IMDB की तरफ से रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 6.2 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। और दोस्तों इस मूवी को 85% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से। मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष अनंत राम ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग शायद मूवीज़ देखते आ रहे होंगे साउथ की तो इनको जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है, और इन्होंने यश साथ ही में जो है यश कुमार के साथ भी मूवीज़ बनाई हुई है, जैसे कि गजा केसरी, मिफ्टर एंड मिसेज रामजरी, और एक और मूवी बनाई थी इन्होंने राजा कुमारा, जो काफ़ी शानदार मूवी थी, और इस मूवी के अंदर भी आपको पुनीत राजकुमार देखने को मिल रहे थे। तो बात करें मूवी के मेन किरदार के बारे में, तो मूवी के अंदर आपको पुनीत राजकुमार, सैयद सहगल, इसके अलावा सोनू, धनंजय, त्रिवेणी राव, काव्या सेठी, प्रकाश राज, बम ईरानी, राधिका शरद कुमार, साई कुमार, अविनाश, सुधा रानी, साधु कोकिला, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी शानदार है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जो पुनीत राजकुमार है वो यहाँ पर अर्जुन के रोल में है, और सैयद शाह वो यहाँ पर वंदना के रोल में है, और सोनू यहाँ पर लवेर के रोल में होते हैं। नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस मूवी की कहानी समझ जाए वो भी आसानी से। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों ये मूवी हिट रही थी, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल का म्यूजिक जो होता है थमन एस का देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब सच में कमाल का म्यूजिक है और जो आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है युवरत्न की, जो युवरत्न की शुरुआत होती है, और RK यूनिवर्सिटी के छात्रा समीरा द्वारा मेघावी छात्रा होने के बावजूद CET परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या से होती है। जो मूवी की कहानी में स्टार्टिंग में ही आपको एक लड़की जो है वो सुसाइड करते हुए देखने को मिलती है। फिर आगे कुछ होता यूँ है कि गुरुदेव देशमुख जो RK यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते हैं और समीरा के शिक्षक भी है और व्यवस्थित है, और अपने पूर्व छात्र समर्थ भागवत के समर्थन से सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रभावशाली छात्रों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को धन को वंचित करने के लिए अवसरों में गिरावट के लिए निजी कॉलेजों के खिलाफ याचिका दायर करते हैं, जो वर्तमान बेंगलुरु DC और शिक्षा मंत्री रघु रेड्डी है। एंटली जोसेफ जो एक लाभ के लिए निजी कॉलेज चलाता है, यात्रिका को रोकने के लिए राज्य भर में गैंगस्टर भेजकर जवाबी कार्यवाही कराता है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है और उसकी पिटाई की जाती है। छात्र नेता अर्जुन जिसे कॉलेज के खिलाफ जाने के कारण बाहर निकल दिया होता है। तो कहानी दोस्तों वैसे मैं आपको इस मूवी के शॉर्ट में समझाऊँ तो काफ़ी सिंपल है, जो आप इसके बारे में समझ जाएंगे, और कहानी काफ़ी अमेजिंग है, जो हर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको अच्छी लगेंगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो दोस्तों एक अलग थोड़ी कहानी दिखाई गई है, जो कि ऐसी मूवीज़ मैंने पहले देखी नहीं है, बहुत ही कम मूवीज़ बनी है।
शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण के कारण आर के कॉलेज बंद होने का कगार पर होता है। हालांकि प्रिंसिपल और एक छात्र ऐसा होने से रोकने के लिए हाथ मिला लेते हैं। तो यही इस मूवी का मेन कहानी होता है। इस मूवी के अंदर जो हीरो होता है, यहाँ पर पुनीत है, मतलब जो अर्जुन है, वो इस कॉलेज को बचाता है। कॉलेज कॉलेज जो है क्यों बंद होने वाली थी, उसकी वजह आप इस मूवी को देखेंगे तो जान जाएंगे, क्योंकि कॉलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हो रहे थे और बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे थे। इसलिए दोस्तों ये जो मूवी है वो आपको जो है बहुत कुछ सिखा भी देंगी और मूवी आपको फुल एंटरटेनमेंट कराएंगी। कुल मिलाकर मूवी काफ़ी कमाल की है। डबिंग इस मूवी के काफ़ी सही है और इस मूवी के गाने भी दोस्तों डब किए गए हैं। तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो अक्सर मूवी टीवी पर आती है, आप इस मूवी को टीवी पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है। अगर यूट्यूब प्रीमियर होता है तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आप सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको यहाँ पर जो नई मूवीज़ आती रहेंगी उनके बारे में जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को मिस मत कीजिए। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मूवी आपको कैसे लगी। बाकी दोस्तों ये मूवी यूट्यूब पर आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों अगर आप लोग भी युवरत्न मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, साथ ही में मूवी कहां पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता के रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पर मैं जो नई नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके फुल रिव्यूज़ करता हूँ और उन मूवीज़ के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। वैसे दोस्तों युवरत्न मूवी को 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा रहा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो एक्टर है वो तो इस दुनिया के अंदर नहीं है, पर उनकी जो एक्टिंग है और उनका डांस है वो इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने वाला है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, कहानी क्या है, मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है वो एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा और ड्रामा भी इस मूवी के अंदर भरपूर है। आगे बात करते हैं मूवी के बारे में तो रन टाइम इस मूवी का 2.5 घंटे का है, पर आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करें मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर उपलब्ध है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है अमेजन प्राइम पर। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि ये मूवी हमें फ्री में देखना है, तो भाई ये मूवी आपको फ्री में जो है वो अनऑफिशियल वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी जो थी उसको IMDB की तरफ से रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6.2 की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। और दोस्तों इस मूवी को 85% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से। मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष आनंद राम ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग शायद मूवीज़ देखते आ रहे होंगे साउथ की तो इनको जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और इन्होंने यश साथ ही में जो है यश कुमार के साथ भी मूवीज़ बनाई हुई है, जैसे कि गजा केसरी, मिस्टर एंड मिसेज रामचरी, और एक और मूवी बनाई थी इन्होंने राजा कुमारा, जो काफ़ी शानदार मूवी थी। और इस मूवी के अंदर भी आपको पुनीत राजकुमार देखने को मिल रहे थे। तो बात करें मूवी के मेन किरदार के बारे में तो मूवी के अंदर आपको पुनीत राजकुमार, सैयद सहगल, इसके अलावा सोनू, धनंजय, त्रिवेणी राव, काव्या सेठी, प्रकाश राज, बम ईरानी, राधिका शरद कुमार, साई कुमार, अविनाश, सुधा रानी, साधु कोकिला और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी शानदार है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जो पुनीत राजकुमार है वो यहाँ पर अर्जुन के रोल में है, और सैयद शाह है वो यहाँ पर वंदना के रोल में है, और सोनू यहाँ पर लवेर के रोल में होते हैं। नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस मूवी की कहानी समझ जाए वो भी आसानी से। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों ये मूवी हिट रही थी, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल का म्यूजिक जो होता है थमन एस का देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब सच में कमाल का म्यूजिक है और जो आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है युवरत्न की, जो युवरत्न की शुरुआत होती है, और आर के यूनिवर्सिटी के छात्रा समीरा द्वारा मेघावी छात्रा होने के बावजूद CET परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या से होती है। जो मूवी की कहानी में स्टार्टिंग में ही आपको एक लड़की जो है वो सुसाइड करते हुए देखने को मिलती है। फिर आगे कुछ होता यूँ है कि गुरुदेव देशमुख, जो
आर के यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते हैं और समीरा के शिक्षक भी हैं और व्यवस्थित है और अपने पूर्व छात्र समर्थ भागवत के समर्थन से सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रभावशाली छात्रों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को धन को वंचित करने के लिए अवसरों में घिरावट के लिए निजी कॉलेजों के खिलाफ याचिका दायर करते हैं, जो वर्तमान बेंगलुरु डीसी और शिक्षा मंत्री रघु रेड्डी है। एंटली जोसेफ जो एक लाभ के लिए निजी कॉलेज चलाता है, यात्रिका को रोकने के लिए राज्यभर में गैंगस्टर भेजकर जवाबी कार्यवाही कराता है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है और उसकी पिटाई की जाती है। छात्र नेता अर्जुन जिसे कॉलेज के खिलाफ जाने के कारण बाहर निकल दिया होता है। तो कहानी दोस्तों, वैसे मैं आपको इस मूवी के शॉर्ट में समझाऊँ तो काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, और कहानी काफ़ी अमेजिंग है, जो हर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको अच्छी लगेंगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो दोस्तों एक अलग थोड़ी कहानी दिखाई गई है, जो कि ऐसी मूवीज़ मैंने पहले देखी नहीं है, बहुत ही कम मूवीज़ बनी है। शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण के कारण आर के कॉलेज बंद होने का कगार पर होता है, हालांकि प्रिंसिपल और एक छात्र ऐसा होने से रोकने के लिए हाथ मिला लेते हैं। तो यही इस मूवी का मेन कहानी होता है। इस मूवी के अंदर जो हीरो होता है, यहाँ पर पुनीत है, मतलब जो अर्जुन है, वो उस कॉलेज को बचाता है। कॉलेज जो है क्यों बंद होने वाली थी, उसकी वजह आप इस मूवी को देखेंगे तो जान जाएंगे, क्योंकि कॉलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हो रहे थे और बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे थे। इसलिए दोस्तों, ये जो मूवी है वो आपको जो है बहुत कुछ सिखा भी देंगी और मूवी आपको फुल एंटरटेनमेंट कराएंगी। कुल मिलाकर मूवी काफ़ी कमाल की है, डबिंग इस मूवी के काफ़ी सही है और इस मूवी के गाने भी दोस्तों डब किए गए हैं। तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो अक्सर मूवी टीवी पर आती है, आप इस मूवी को टीवी पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है, अगर यूट्यूब प्रीमियर होता है तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आप सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको यहाँ पर जो नई मूवीज़ आती रहेंगी उनके बारे में जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को मिस मत कीजिए। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मूवी आपको कैसे लगी। बाकी दोस्तों, ये मूवी यूट्यूब पर आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, अगर आप लोग भी युवरत्ना मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, साथ ही में मूवी कहां पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता के रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहां पर मैं जो नई नई मूवीज़ आती है साउथ की, उनके फुल रिव्यूज़ करता हूँ और उन मूवीज़ के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। वैसे दोस्तों, युवरत्ना मूवी को 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा रहा था। वैसे दोस्तों, मूवी के जो एक्टर है वो तो इस दुनिया के अंदर नहीं है, पर उनकी जो एक्टिंग है और उनका डांस है वो इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने वाला है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, कहानी क्या है, मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, बात करें मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है वो एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा और ड्रामा भी इस मूवी के अंदर भरपूर है। आगे बात करते हैं मूवी के बारे में, तो रन टाइम इस मूवी का 2.5 घंटे का है, पर आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करें मूवी हिंदी के अंदर कहां पर उपलब्ध है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है अमेजन प्राइम पर। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि ये मूवी हमें फ्री में देखना है, तो भाई ये मूवी आपको फ्री में जो है वो अनऑफिशियल वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी, जहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी जो थी उसको IMDb की तरफ से रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली थी, क्योंकि जो IMDb है वहाँ पर 10 out of 6.2 की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। और दोस्तों, इस मूवी को 85% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से। मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष अनंत राम ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग शायद मूवीज़ देखते आ रहे होंगे साउथ की तो इनको जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और इन्होंने यश साथ ही में जो है यश कुमार के साथ भी मूवीज़ बनाई हुई है, जैसे कि गजा केसरी, मिफ्टर एंड मिसेज रामजरी, और एक और मूवी बनाई थी इन्होंने राजा कुमारा, जो काफ़ी शानदार मूवी थी, और इस मूवी के अंदर भी आपको पुनीत राजकुमार देखने को मिल रहे थे। तो बात करें मूवी के मेन किरदार के बारे में, तो मूवी के अंदर आपको पुनीत राजकुमार, सैयद सहगल, इसके अलावा सोनू, धनंजय, त्रिवेणी राव, काव्या सेठी, प्रकाश राज, बम ईरानी, राधिका शरद कुमार, साई कुमार, अविनाश, सुधा रानी, साधु कोकिला
और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी शानदार है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जो पुनीत राजकुमार है वो यहाँ पर अर्जुन के रोल में है, और सैयद शाह वो यहाँ पर वंदना के रोल में है, और सोनू यहाँ पर लवेर के रोल में होते हैं। नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस मूवी की कहानी समझ जाए वो भी आसानी से। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों ये मूवी हिट रही थी, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल का म्यूजिक जो होता है थमन एस का देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब सच में कमाल का म्यूजिक है और जो आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है युवरत्न की, जो युवरत्न की शुरुआत होती है, और आर के यूनिवर्सिटी के छात्रा समीरा द्वारा मेघावी छात्रा होने के बावजूद CET परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या से होती है। जो मूवी की कहानी में स्टार्टिंग में ही आपको एक लड़की जो है वो सुसाइड करते हुए देखने को मिलती है। फिर आगे कुछ होता यूँ है कि गुरुदेव देशमुख जो आर के यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते हैं और समीरा के शिक्षक भी है, और व्यवस्थित है और अपने पूर्व छात्र समर्थ भागवत के समर्थन से सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रभावशाली छात्रों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को धन को वंचित करने के लिए अवसरों में घिरावट के लिए निजी कॉलेजों के खिलाफ याचिका दायर करते हैं। जो वर्तमान बेंगलुरु DC और शिक्षा मंत्री रघु रेड्डी है, एंटली जोसेफ जो एक लाभ के लिए निजी कॉलेज चलाता है, यात्रिका को रोकने के लिए राज्य भर में गैंगस्टर भेजकर जवाबी कार्यवाही कराता है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है और उसकी पिटाई की जाती है। छात्र नेता अर्जुन जिसे कॉलेज के खिलाफ जाने के कारण बाहर निकाल दिया होता है। तो कहानी दोस्तों वैसे मैं आपको इस मूवी के शॉर्ट में समझाऊँ तो काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, और कहानी काफ़ी अमेजिंग है, जो हर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको अच्छी लगेंगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो दोस्तों एक अलग थोड़ी कहानी दिखाई गई है, जो कि ऐसी मूवीज़ मैंने पहले देखी नहीं है, बहुत ही कम मूवीज़ बनी है। शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण के कारण आर के कॉलेज बंद होने का कगार पर होता है, हालांकि प्रिंसिपल और एक छात्र ऐसा होने से रोकने के लिए हाथ मिला लेते हैं। तो यही इस मूवी का मेन कहानी होता है। इस मूवी के अंदर जो हीरो होता है वो यहाँ पर पुनीत है, मतलब जो अर्जुन है वो इस कॉलेज को बचाता है। कॉलेज जो है क्यों बंद होने वाली थी उसकी वजह आप इस मूवी को देखेंगे तो जान जाएंगे, क्योंकि कॉलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हो रहे थे और बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे थे। इसलिए दोस्तों ये जो मूवी है वो आपको जो है बहुत कुछ सिखा भी देंगी, और मूवी आपको फुल एंटरटेनमेंट कराएंगी। कुल मिलाकर मूवी काफ़ी कमाल की है, डबिंग इस मूवी के काफ़ी सही है, और इस मूवी के गाने भी दोस्तों डब किए गए हैं। तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो अक्सर मूवी टीवी पर आती है, आप इस मूवी को टीवी पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है, अगर YouTube प्रीमियर होता है तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको यहाँ पर जो नई मूवीज़ आती रहेंगी उनके बारे में जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को मिस मत कीजिए। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो हमें कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि मूवी आपको कैसे लगी। बाकी दोस्तों ये मूवी यूट्यूब पर आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों अगर आप लोग भी युवरत्न मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, साथ ही में मूवी कहां पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता के रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पर मैं जो नई नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके फुल रिव्यूज़ करता हूँ और उन मूवीज़ के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। वैसे दोस्तों युवरत्न मूवी को 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा रहा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो एक्टर है वो तो इस दुनिया के अंदर नहीं है, पर उनकी जो एक्टिंग है और उनका डांस है वो इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने वाला है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, कहानी क्या है, मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है वो एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा, और ड्रामा भी इस मूवी के अंदर भरपूर है। आगे बात करते हैं मूवी के बारे में, तो रन टाइम इस मूवी का 2.5 घंटे का है, पर आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करें मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर उपलब्ध है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है अमेजन प्राइम पर। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि ये मूवी हमें फ्री में देखना है, तो भाई ये मूवी आपको फ्री में जो है वो अनऑफिशियल वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी।
चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी जो थी उसको IMDB की तरफ से रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6.2 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। और दोस्तों इस मूवी को 85% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से। मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष आनंद राम ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग शायद मूवीज़ देखते आ रहे होंगे साउथ की, तो इनको जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है, और इन्होंने यश साथ ही में जो है यश कुमार के साथ भी मूवीज़ बनाई हुई है, जैसे कि गजा केसरी, मिस्टर एंड मिसेज रामजरी, और एक और मूवी बनाई थी इन्होंने राजा कुमारा, जो काफ़ी शानदार मूवी थी। और इस मूवी के अंदर भी आपको पुनीत राजकुमार देखने को मिल रहे थे। तो बात करें मूवी के मेन किरदार के बारे में, तो मूवी के अंदर आपको पुनीत राजकुमार, सैयद सहगल, इसके अलावा सोनू, धनंजय, त्रिवेणी राव, काव्या सेठी, प्रकाश राज, बम ईरानी, राधिका शरद कुमार, साई कुमार, अविनाश, सुधा रानी, साधु कोकिला, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी शानदार है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जो पुनीत राजकुमार है वो यहाँ पर अर्जुन के रोल में है, और जो सैयद शाह है वो यहाँ पर वंदना के रोल में है, और सोनू यहाँ पर लवेर के रोल में होते हैं। नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस मूवी की कहानी समझ जाए वो भी आसानी से। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों ये मूवी हिट रही थी, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल का म्यूजिक जो होता है थमन एस का देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब सच में कमाल का म्यूजिक है, और जो आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में, कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है युवरत्न की, जो युवरत्न की शुरुआत होती है, और RK यूनिवर्सिटी के छात्रा समीरा द्वारा मेधावी छात्रा होने के बावजूद CET परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या से होती है। जो मूवी की कहानी में स्टार्टिंग में ही आपको एक लड़की जो है वो सुसाइड करते हुए देखने को मिलती है। फिर आगे कुछ होता यूँ है कि गुरुदेव देशमुख, जो RK यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते हैं और समीरा के शिक्षक भी है, और व्यवस्थित है, और अपने पूर्व छात्र समर्थ भागवत के समर्थन से सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रभावशाली छात्रों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को धन को वंचित करने के लिए अवसरों में घिरावट के लिए निजी कॉलेजों के खिलाफ याचिका दायर करते हैं, जो वर्तमान बेंगलुरु DC और शिक्षा मंत्री राघव रेड्डी है। एंटली जोसेफ, जो एक लाभ के लिए निजी कॉलेज चलाता है, यात्रिका को रोकने के लिए राज्यभर में गैंगस्टर भेजकर जवाबी कार्यवाही कराता है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है और उसकी पिटाई की जाती है। छात्र नेता अर्जुन, जिसे कॉलेज के खिलाफ जाने के कारण बाहर निकाल दिया होता है। तो कहानी दोस्तों वैसे मैं आपको इस मूवी के शॉर्ट में समझाऊँ तो काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, और कहानी काफ़ी अमेजिंग है, जो हर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको अच्छी लगेंगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो दोस्तों एक अलग थोड़ी कहानी दिखाई गई है, जो कि ऐसी मूवीज़ मैंने पहले देखी नहीं है, बहुत ही कम मूवीज़ बनी है। शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण के कारण RK कॉलेज बंद होने का कगार पर होता है, हालांकि प्रिंसिपल और एक छात्र ऐसा होने से रोकने के लिए हाथ मिला लेते हैं। तो यही इस मूवी का मेन कहानी होता है। इस मूवी के अंदर जो हीरो होता है यहाँ पर पुनीत है, मतलब जो अर्जुन है वो उस कॉलेज को बजाता है। कॉलेज जो है क्यों बंद होने वाली थी उसकी वजह आप इस मूवी को देखेंगे तो जान जाएंगे, क्योंकि कॉलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हो रहे थे और बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे थे। इसलिए दोस्तों ये जो मूवी है वो आपको जो है बहुत कुछ सिखा भी देंगी, और मूवी आपको फुल एंटरटेनमेंट कराएंगी। कुल मिलाकर मूवी काफ़ी कमाल की है, डबिंग इस मूवी के काफ़ी सही है, और इस मूवी के गाने भी दोस्तों डब किए गए हैं। तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो अक्सर मूवी टीवी पर आती है, आप इस मूवी को टीवी पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है, अगर YouTube प्रीमियर होता है तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको यहाँ पर जो नई मूवीज़ आती रहेंगी उनके बारे में जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को मिस मत कीजिए। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मूवी आपको कैसे लगी। बाकी दोस्तों ये मूवी यूट्यूब पर आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों अगर आप लोग भी युवरत्न मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, साथ ही में मूवी कहां पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता के रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पर मैं जो नई नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके फुल रिव्यूज़ करता हूँ, और उन मूवीज़ के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। वैसे दोस्तों युवरत्न मूवी को 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा,
और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा रहा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो एक्टर है वो तो इस दुनिया के अंदर नहीं है, पर उनकी जो एक्टिंग है और उनका डांस है वो इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने वाला है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, कहानी क्या है, मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों बात करें मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है वो एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा और ड्रामा भी इस मूवी के अंदर भरपूर है। आगे बात करते हैं मूवी के बारे में, तो रन टाइम इस मूवी का 2.5 घंटे का है, पर आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करें मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर उपलब्ध है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है अमेज़न प्राइम पर। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि ये मूवी हमें फ्री में देखना है, तो भाई ये मूवी आपको फ्री में जो है वो अनऑफिशियल वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी जो थी उसको IMDB की तरफ से रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6.2 की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। और दोस्तों इस मूवी को 85% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से। मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष अनंत राम ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग शायद मूवीज़ देखते आ रहे होंगे साउथ की तो इनको जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और इन्होंने यश साथ ही में जो है यश कुमार के साथ भी मूवीज़ बनाई हुई है, जैसे कि गजा केसरी, मिफ्टर एंड मिसेज रामजरी, और एक और मूवी बनाई थी इन्होंने राजा कुमारा, जो काफ़ी शानदार मूवी थी। और इस मूवी के अंदर भी आपको पुनीत राजकुमार देखने को मिल रहे थे। तो बात करें मूवी के मेन किरदार के बारे में, तो मूवी के अंदर आपको पुनीत राजकुमार, सैयद सहगल, इसके अलावा सोनू, धनंजय, त्रिवेणी राव, काव्या सेठी, प्रकाश राज, बम ईरानी, राधिका शरद कुमार, साई कुमार, अविनाश, सुधा रानी, साधु कोकिला, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी शानदार है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जो पुनीत राजकुमार है वो यहाँ पर अर्जुन के रोल में है, और सैयद शाह वो यहाँ पर वंदना के रोल में है, और सोनू यहाँ पर लवेर के रोल में होते हैं। नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस मूवी की कहानी समझ जाए वो भी आसानी से। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों ये मूवी हिट रही थी, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल का म्यूजिक जो होता है थमन एस का देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब सच में कमाल का म्यूजिक है और जो आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है युवरत्न की शुरुआत होती है, और RK यूनिवर्सिटी के छात्रा समीरा द्वारा मेघावी छात्रा होने के बावजूद CET परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या से होती है। जो मूवी की कहानी में स्टार्टिंग में ही आपको एक लड़की जो है वो सुसाइड करते हुए देखने को मिलती है। फिर आगे कुछ होता यूँ है कि गुरुदेव देशमुख जो RK यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते हैं और समीरा के शिक्षक भी है और व्यवस्थित है, और अपने पूर्व छात्र समर्थ भागवत के समर्थन से सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रभावशाली छात्रों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को धन को वंचित करने के लिए अवसरों में घिरावट के लिए निजी कॉलेजों के खिलाफ याचिका दायर करते हैं, जो वर्तमान बेंगलुरु DC और शिक्षा मंत्री रघु रेड्डी है। एंटली जोसेफ जो एक लाभ के लिए निजी कॉलेज चलाता है, यात्रिका को रोकने के लिए राज्यभर में गैंगस्टर भेजकर जवाबी कार्यवाही कराता है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है और उसकी पिटाई की जाती है। छात्र नेता अर्जुन जिसे कॉलेज के खिलाफ जाने के कारण बाहर निकल दिया होता है। तो कहानी दोस्तों वैसे मैं आपको इस मूवी के शॉर्ट में समझाऊँ तो काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, और कहानी काफ़ी अमेजिंग है, जो हर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको अच्छी लगेंगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो दोस्तों एक अलग थोड़ी कहानी दिखाई गई है, जो कि ऐसी मूवीज़ मैंने पहले देखी नहीं है, बहुत ही कम मूवीज़ बनी है। शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण के कारण RK कॉलेज बंद होने का कगार पर होता है, हालांकि प्रिंसिपल और एक छात्र ऐसा होने से रोकने के लिए हाथ मिला लेते हैं। तो यही इस मूवी का मेन कहानी होता है। इस मूवी के अंदर जो हीरो होता है यहाँ पर पुनीत है, मतलब जो अर्जुन है वो उस कॉलेज को बचाता है। कॉलेज जो है क्यों बंद होने वाली थी उसकी वजह आप इस मूवी को देखेंगे तो जान जाएंगे, क्योंकि कॉलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हो रहे थे और बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे थे। इसलिए दोस्तों ये जो मूवी है वो आपको जो है बहुत कुछ सिखा भी देंगी और मूवी आपको फुल एंटरटेनमेंट कराएंगी। कुल मिलाकर मूवी काफ़ी कमाल की है, डबिंग इस मूवी के काफ़ी सही है और इस मूवी के गाने भी दोस्तों डब किए गए हैं। तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। अगर आप इस मूवी को TV पर देखना चाहते हो तो अक्सर मूवी TV पर आती है, आप इस मूवी को TV पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है,
अगर YouTube प्रीमियर होता है तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको यहाँ पर जो नई मूवीज़ आती रहेंगी उनके बारे में जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को मिस मत कीजिए। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको कैसे लगी। बाकी दोस्तों ये मूवी यूट्यूब पर आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों अगर आप लोग भी युवरत्न मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, साथ ही में मूवी कहां पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता के रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहां पर मैं जो नई नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके फुल रिव्यूज़ करता हूँ और उन मूवीज़ के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। वैसे दोस्तों युवरत्न मूवी को 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा रहा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो एक्टर है वो तो इस दुनिया के अंदर नहीं है, पर उनकी जो एक्टिंग है और उनका डांस है वो इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने वाला है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, कहानी क्या है, मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है वो एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा, और ड्रामा भी इस मूवी के अंदर भरपूर है। आगे बात करते हैं मूवी के बारे में, तो रन टाइम इस मूवी का 2.5 घंटे का है, पर आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करें मूवी हिंदी के अंदर कहां पर उपलब्ध है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है अमेजन प्राइम पर। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि ये मूवी हमें फ्री में देखना है, तो भाई ये मूवी आपको फ्री में जो है वो अनऑफिशियल वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी जो थी उसको IMDB की तरफ से रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6.2 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। और दोस्तों इस मूवी को 85% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से। मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष आनंद राम ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग शायद मूवीज़ देखते आ रहे होंगे साउथ की तो इनको जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है, और इन्होंने यश साथ ही में जो है यश कुमार के साथ भी मूवीज़ बनाई हुई है, जैसे कि गजा केसरी, मिस्टर एंड मिसेज रामजरी, और एक और मूवी बनाई थी इन्होंने राजा कुमारा, जो काफ़ी शानदार मूवी थी, और इस मूवी के अंदर भी आपको पुनीत राजकुमार देखने को मिल रहे थे। तो बात करें मूवी के मेन किरदार के बारे में, तो मूवी के अंदर आपको पुनीत राजकुमार, सैयद सहगल, इसके अलावा सोनू, धनंजय, त्रिवेणी राव, काव्या सेठी, प्रकाश राज, बम ईरानी, राधिका शरद कुमार, साई कुमार, अविनाश, सुधा रानी, साधु कोकिला, और भी यहां पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी शानदार है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जो पुनीत राजकुमार है वो यहाँ पर अर्जुन के रोल में है, और सैयद साहब यहाँ पर वंदना के रोल में है, और सोनू यहाँ पर लवेर के रोल में होते हैं। नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस मूवी की कहानी समझ जाए वो भी आसानी से। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों ये मूवी हिट रही थी, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल का म्यूजिक जो होता है थमन एस का देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब सच में कमाल का म्यूजिक है और जो आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है युवरत्न की शुरुआत होती है, और RK यूनिवर्सिटी के छात्रा समीरा द्वारा मेघावी छात्रा होने के बावजूद CET परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या से होती है। जो मूवी की कहानी में स्टार्टिंग में ही आपको एक लड़की जो है वो सुसाइड करते हुए देखने को मिलती है। फिर आगे कुछ होता यूँ है कि गुरुदेव देशमुख जो RK यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते हैं और समीरा के शिक्षक भी है, और व्यवस्थित है, और अपने पूर्व छात्र समर्थ भागवत के समर्थन से सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रभावशाली छात्रों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को धन को वंचित करने के लिए अवसरों में घिरावट के लिए निजी कॉलेजों के खिलाफ याचिका दायर करते हैं, जो वर्तमान बेंगलुरु DC और शिक्षा मंत्री रघु रेड्डी है। एंटली जोसेफ जो एक लाभ के लिए निजी कॉलेज चलाता है, यात्रिका को रोकने के लिए राज्यभर में गैंगस्टर भेजकर जवाबी कार्यवाही कराता है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है और उसकी पिटाई की जाती है। छात्र नेता अर्जुन जिसे कॉलेज के खिलाफ जाने के कारण बाहर निकल दिया होता है। तो कहानी दोस्तों वैसे मैं आपको इस मूवी के शॉर्ट में समझाऊँ तो काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, और कहानी काफ़ी अमेजिंग है जो
हर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको अच्छी लगेंगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो दोस्तों एक अलग थोड़ी कहानी दिखाई गई है, जो कि ऐसी मूवीज़ मैंने पहले देखी नहीं है, बहुत ही कम मूवीज़ बनी है। शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण के कारण आर के कॉलेज बंद होने का कगार पर होता है। हालांकि प्रिंसिपल और एक छात्र ऐसा होने से रोकने के लिए हाथ मिला लेते हैं। तो यही इस मूवी का मेन कहानी होता है। इस मूवी के अंदर जो हीरो होता है वो यहाँ पर पुनीत है, मतलब जो अर्जुन है वो इस कॉलेज को बचाता है। कॉलेज कॉलेज जो है क्यों बंद होने वाली थी उसकी वजह आप इस मूवी को देखने तो जान जाएंगे, क्योंकि कॉलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हो रहे थे और बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे थे। इसलिए दोस्तों ये जो मूवी है वो आपको जो है बहुत कुछ सिखा भी देंगी और मूवी आपको फुल एंटरटेनमेंट कराएंगी। कुल मिलाकर मूवी काफ़ी कमाल की है। डबिंग इस मूवी के काफ़ी सही है और इस मूवी के गाने भी दोस्तों डब किए गए हैं। तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो अक्सर मूवी टीवी पर आती है, आप इस मूवी को टीवी पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है। अगर यूट्यूब प्रीमियर होता है तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आप सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको यहाँ पर जो नई मूवीज़ आती रहेंगी उनके बारे में जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को मिस मत कीजिए। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मूवी आपको कैसे लगी। बाकी दोस्तों ये मूवी यूट्यूब पर आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों अगर आप लोग भी युवरत्न मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, साथ ही में मूवी कहां पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता के रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहां पर मैं जो नई नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके फुल रिव्यूज़ करता हूँ और उन मूवीज़ के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। वैसे दोस्तों युवरत्न मूवी को 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा रहा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो एक्टर है वो तो इस दुनिया के अंदर नहीं है, पर उनकी जो एक्टिंग है और उनका डांस है वो इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने वाला है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, कहानी क्या है, मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है वो एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा और ड्रामा भी इस मूवी के अंदर भरपूर है। आगे बात करते हैं मूवी के बारे में, तो रन टाइम इस मूवी का 2.5 घंटे का है, पर आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करें मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर उपलब्ध है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है अमेजन प्राइम पर। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि ये मूवी हमें फ्री में देखना है, तो भाई ये मूवी आपको फ्री में जो है वो अनऑफिशियल वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी जो थी उसको IMDB की तरफ से रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6.2 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। और दोस्तों इस मूवी को 85% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से। मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष अनंत राम ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग शायद मूवीज़ देखते आ रहे होंगे साउथ की तो इनको जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है, और इन्होंने यश साथ ही में जो है यश कुमार के साथ भी मूवीज़ बनाई हुई है, जैसे कि गजा केसरी, मिफ्टर एंड मिसेज रामजरी, और एक और मूवी बनाई थी इन्होंने राजा कुमारा, जो काफ़ी शानदार मूवी थी, और इस मूवी के अंदर भी आपको पुनीत राजकुमार देखने को मिल रहे थे। तो बात करें मूवी के मेन किरदार के बारे में, तो मूवी के अंदर आपको पुनीत राजकुमार, सैया सहगल, इसके अलावा सोनू, धनंजय, त्रिवेणी राव, काव्या सेठी, प्रकाश राज, बम ईरानी, राधिका शरद कुमार, साई कुमार, अविनाश, सुधा रानी, साधु कोकिला, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी शानदार है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जो पुनीत राजकुमार है वो यहाँ पर अर्जुन के रोल में है, और सैया साहब वो यहाँ पर वंदना के रोल में है, और सोनू यहाँ पर लवेर के रोल में होते हैं। नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस मूवी की कहानी समझ जाए वो भी आसानी से। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों ये मूवी हिट रही थी, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल का म्यूजिक जो होता है थमन एस का देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब सच में कमाल का म्यूजिक है और जो आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है युवरत्न की, जो युवरत्न की शुरुआत होती है, और आर के यूनिवर्सिटी के छात्रा समीरा द्वारा मेघावी छात्रा होने के बावजूद CET परीक्षा में असफल होने के बाद
आत्महत्या से होती है। जो मूवी की कहानी में स्टार्टिंग में ही आपको एक लड़की जो है वो सुसाइड करते हुए देखने को मिलती है। फिर आगे कुछ होता यूँ है कि गुरुदेव देशमुख जो आर के यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते हैं और समीरा के शिक्षक भी है और व्यवस्थित है और अपने पूर्व छात्र समर्थ भागवत के समर्थन से सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रभावशाली छात्रों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को धन को वंचित करने के लिए अवसरों में घिरावट के लिए निजी कॉलेजों के खिलाफ याचिका दायर करते हैं। जो वर्तमान बेंगलुरु DC और शिक्षा मंत्री रघु रेड्डी है। एंटली जोसेफ जो एक लाभ के लिए निजी कॉलेज चलाता है, यात्रिका को रोकने के लिए राज्य भर में गैंगस्टर भेजकर जवाबी कार्यवाही कराता है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है और उसकी पिटाई की जाती है। छात्र नेता अर्जुन जिसे कॉलेज के खिलाफ जाने के कारण बाहर निकल दिया होता है। तो कहानी दोस्तों, वैसे मैं आपको इस मूवी के शॉर्ट में समझाऊँ तो काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे। और कहानी काफ़ी अमेजिंग है, जो हर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको अच्छी लगेंगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो दोस्तों एक अलग थोड़ी कहानी दिखाई गई है, जो कि ऐसी मूवीज़ मैंने पहले देखी नहीं है, बहुत ही कम मूवीज़ बनी है। शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण के कारण आर के कॉलेज बंद होने का कारण होता है। हालांकि प्रिंसिपल और एक छात्र ऐसा होने से रोकने के लिए हाथ मिला लेते हैं। तो यही इस मूवी का मेन कहानी होता है। इस मूवी के अंदर जो हीरो होता है, यहाँ पर पुनीत है, मतलब जो अर्जुन है, वो इस कॉलेज को बचाता है। कॉलेज जो है क्यों बंद होने वाली थी, उसकी वजह आप इस मूवी को देखने तो जान जाएंगे, क्योंकि कॉलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हो रहे थे और बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे थे। इसलिए दोस्तों ये जो मूवी है वो आपको जो है बहुत कुछ सिखा भी देंगी और मूवी आपको फुल एंटरटेनमेंट कराएंगी। कुल मिलाकर मूवी काफ़ी कमाल की है। डबिंग इस मूवी के काफ़ी सही है और इस मूवी के गाने भी दोस्तों डब किए गए हैं। तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो अक्सर मूवी टीवी पर आती है, आप इस मूवी को टीवी पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है। अगर यूट्यूब प्रीमियर होता है तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको यहाँ पर जो नई मूवीज़ आती रहेंगी उनके बारे में जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को मिस मत कीजिए। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको कैसे लगी। बाकी दोस्तों ये मूवी यूट्यूब पर आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों अगर आप लोग भी युवरत्न मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, साथ ही में मूवी कहां पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता के रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पर मैं जो नई नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके फुल रिव्यूज़ करता हूँ और उन मूवीज़ के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। वैसे दोस्तों युवरत्न मूवी को 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा रहा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो एक्टर है वो तो इस दुनिया के अंदर नहीं है, पर उनकी जो एक्टिंग है और उनका डांस है वो इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने वाला है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, कहानी क्या है, मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है वो एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा और ड्रामा भी इस मूवी के अंदर भरपूर है। आगे बात करते हैं मूवी के बारे में तो रन टाइम इस मूवी का 2.5 घंटे का है, पर आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करें मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर उपलब्ध है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है अमेजन प्राइम पर। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि ये मूवी हमें फ्री में देखना है, तो भाई ये मूवी आपको फ्री में जो है वो अनऑफिशियल वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी जो थी उसको IMDB की तरफ से रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6.2 की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। और दोस्तों इस मूवी को 85% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से। मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष अनंत राम ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग शायद मूवीज़ देखते आ रहे होंगे साउथ की तो इनको जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और इन्होंने यश साथ ही में जो है यश कुमार के साथ भी मूवीज़ बनाई हुई है, जैसे कि गजा केसरी, मिस्टर एंड मिसेज रामजरी, और एक और मूवी बनाई थी इन्होंने राजा कुमारा, जो काफ़ी शानदार मूवी थी। और इस मूवी के अंदर भी आपको पुनीत राजकुमार देखने को मिल रहे थे। तो बात करें मूवी के मेन किरदार के बारे में तो मूवी के अंदर आपको पुनीत राजकुमार, सैयद सहगल, इसके अलावा सोनू, धनंजय,
त्रिवेणी राव, काव्या सेठी, प्रकाश राज, बम ईरानी, राधिका शरद कुमार, साई कुमार, अविनाश, सुधा रानी, साधु कोकिला, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी शानदार है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जो पुनीत राजकुमार है वो यहाँ पर अर्जुन के रोल में है, और सैयद शाह है वो यहाँ पर वंदना के रोल में है, और सोनू यहाँ पर लवेर के रोल में होते हैं। नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस मूवी की कहानी समझ जाए वो भी आसानी से। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों ये मूवी हिट रही थी, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल का म्यूजिक जो होता है थमन एस का देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब सच में कमाल का म्यूजिक है, और जो आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में, कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है युवरत्न की, जो युवरत्न की शुरुआत होती है, और आर के यूनिवर्सिटी के छात्रा समीरा द्वारा मेघावी छात्रा होने के बावजूद CET परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या से होती है। जो मूवी की कहानी में स्टार्टिंग में ही आपको एक लड़की जो है वो सुसाइड करते हुए देखने को मिलती है। फिर आगे कुछ होता यूँ है कि गुरुदेव देशमुख जो आर के यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते हैं और समीरा के शिक्षक भी है, और व्यवस्थित है, और अपने पूर्व छात्र समर्थ भागवत के समर्थन से सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रभावशाली छात्रों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को धन को वंचित करने के लिए अवसरों में घिरावट के लिए निजी कॉलेजों के खिलाफ याचिका दायर करते हैं। जो वर्तमान बेंगलुरु DC और शिक्षा मंत्री रघु रेड्डी है, एंटली जोसेफ जो एक लाभ के लिए निजी कॉलेज चलाता है, याचिका को रोकने के लिए राज्यभर में गैंगस्टर भेजकर जवाबी कार्यवाही कराता है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है और उसकी पिटाई की जाती है। छात्र नेता अर्जुन जिसे कॉलेज के खिलाफ जाने के कारण बाहर निकल दिया होता है। तो कहानी दोस्तों वैसे मैं आपको इस मूवी के शॉर्ट में समझाऊँ तो काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, और कहानी काफ़ी अमेजिंग है, जो हर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको अच्छी लगेंगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो दोस्तों एक अलग थोड़ी कहानी दिखाई गई है, जो कि ऐसी मूवीज़ मैंने पहले देखी नहीं है, बहुत ही कम मूवीज़ बनी है। शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण के कारण आर के कॉलेज बंद होने का कगार पर होता है, हालांकि प्रिंसिपल और एक छात्र ऐसा होने से रोकने के लिए हाथ मिला लेते हैं। तो यही इस मूवी का मेन कहानी होता है। इस मूवी के अंदर जो हीरो होता है वो यहाँ पर पुनीत है, मतलब जो अर्जुन है वो इस कॉलेज को बचाता है। कॉलेज जो है क्यों बंद होने वाली थी उसकी वजह आप इस मूवी को देखेंगे तो जान जाएंगे, क्योंकि कॉलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हो रहे थे और बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे थे। इसलिए दोस्तों ये जो मूवी है वो आपको जो है बहुत कुछ सिखा भी देंगी, और मूवी आपको फुल एंटरटेनमेंट कराएंगी। कुल मिलाकर मूवी काफ़ी कमाल की है, डबिंग इस मूवी के काफ़ी सही है, और इस मूवी के गाने भी दोस्तों डब किए गए हैं। तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो अक्सर मूवी टीवी पर आती है, आप इस मूवी को टीवी पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है, अगर यूट्यूब प्रीमियर होता है तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको यहाँ पर जो नई मूवीज़ आती रहेंगी उनके बारे में जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को मिस मत कीजिए। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको कैसे लगी। बाकी दोस्तों ये मूवी यूट्यूब पर आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों अगर आप लोग भी युवरत्न मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, साथ ही में मूवी कहां पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता के रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पर मैं जो नई नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके फुल रिव्यूज़ करता हूँ और उन मूवीज़ के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। वैसे दोस्तों युवरत्न मूवी को 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा रहा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो एक्टर है वो तो इस दुनिया के अंदर नहीं है, पर उनकी जो एक्टिंग है और उनका डांस है वो इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने वाला है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, कहानी क्या है, मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है वो एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा, और ड्रामा भी इस मूवी के अंदर भरपूर है। आगे बात करते हैं मूवी के बारे में, तो रन टाइम इस मूवी का 2.5 घंटे का है, पर आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करें मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर उपलब्ध है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है Amazon Prime पर,
अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि ये मूवी हमें फ्री में देखना है, तो भाई ये मूवी आपको फ्री में जो है वो अनऑफिशियल वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी जो थी उसको IMDB की तरफ से रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 6.2 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। और दोस्तों इस मूवी को 85% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से। मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष अनंत राम ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग शायद मूवीज़ देखते आ रहे होंगे साउथ की, तो इनको जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है, और इन्होंने यश साथ ही में जो है यश कुमार के साथ भी मूवीज़ बनाई हुई है, जैसे कि गजा केसरी, मिफ्टर एंड मिसेज रामचरी, और एक और मूवी बनाई थी इन्होंने राजा कुमारा, जो काफ़ी शानदार मूवी थी। और इस मूवी के अंदर भी आपको पुनीत राजकुमार देखने को मिल रहे थे। तो बात करें मूवी के मेन किरदार के बारे में, तो मूवी के अंदर आपको पुनीत राजकुमार, सैयद सहगल, इसके अलावा सोनू, धनंजय, त्रिवेणी राव, काव्या सेठी, प्रकाश राज, बम ईरानी, राधिका शरद कुमार, साई कुमार, अविनाश, सुधा रानी, साधु कोकिला, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी शानदार है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जो पुनीत राजकुमार है वो यहाँ पर अर्जुन के रोल में है, और सैयद सैयद है वो यहाँ पर वंदना के रोल में है, और सोनू यहाँ पर लवेर के रोल में होते हैं। नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस मूवी की कहानी समझ जाए वो भी आसानी से। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों ये मूवी हिट रही थी, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल का म्यूजिक जो होता है थमन एस का देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब सच में कमाल का म्यूजिक है, और जो आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में, कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है युवरत्न की, जो युवरत्न की शुरुआत होती है, और आर के यूनिवर्सिटी के छात्रा समीरा द्वारा मेधावी छात्रा होने के बावजूद CET परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या से होती है। जो मूवी की कहानी में स्टार्टिंग में आपको एक लड़की जो है वो सुसाइड करते हुए देखने को मिलती है। फिर आगे कुछ होता यूँ है कि गुरुदेव देशमुख, जो आर के यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते हैं और समीरा के शिक्षक भी है, और व्यवस्थित है, और अपने पूर्व छात्र समर्थ भागवत के समर्थन से सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रभावशाली छात्रों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को धन को वंचित करने के लिए अवसरों में घिरावट के लिए निजी कॉलेजों के खिलाफ याचिका दायर करते हैं, जो वर्तमान बेंगलुरु DC और शिक्षा मंत्री रघु रेड्डी है। एंटली जोसेफ, जो एक लाभ के लिए निजी कॉलेज चलाता है, यात्रिका को रोकने के लिए राज्यभर में गैंगस्टर भेजकर जवाबी कार्रवाई कराता है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है और उसकी पिटाई की जाती है। छात्र नेता अर्जुन, जिसे कॉलेज के खिलाफ जाने के कारण बाहर निकल दिया होता है। तो कहानी दोस्तों वैसे मैं आपको इस मूवी के शॉर्ट में समझाऊँ तो काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, और कहानी काफ़ी अमेजिंग है, जो हर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको अच्छी लगेंगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो दोस्तों एक अलग थोड़ी कहानी दिखाई गई है, जो कि ऐसी मूवीज़ मैंने पहले देखी नहीं है, बहुत ही कम मूवीज़ बनी है। शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण के कारण आर के कॉलेज बंद होने का कगार पर होता है, हालांकि प्रिंसिपल और एक छात्र ऐसा होने से रोकने के लिए हाथ मिला लेते हैं। तो यही इस मूवी का मेन कहानी होता है। इस मूवी के अंदर जो हीरो होता है यहाँ पर पुनीत है, मतलब जो अर्जुन है वो इस कॉलेज को बचाता है। कॉलेज जो है क्यों बंद होने वाली थी उसकी वजह आप इस मूवी को देखने तो जान जाएंगे, क्योंकि कॉलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हो रहे थे और बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे थे। इसलिए दोस्तों ये जो मूवी है वो आपको जो है बहुत कुछ सिखा भी देंगी, और मूवी आपको फुल एंटरटेनमेंट कराएंगी। कुल मिलाकर मूवी काफ़ी कमाल की है, डबिंग इस मूवी के काफ़ी सही है, और इस मूवी के गाने भी दोस्तों डब किए गए हैं। तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो अक्सर मूवी टीवी पर आती है, आप इस मूवी को टीवी पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है, अगर YouTube प्रीमियर होता है तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको यहाँ पर जो नई मूवीज़ आती रहेंगी उनके बारे में जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को मिस मत कीजिए। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मूवी आपको कैसे लगी। बाकी दोस्तों ये मूवी यूट्यूब पर आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों अगर आप लोग भी युवरत्न मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, साथ ही में मूवी कहां पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता के रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
यहाँ पर मैं जो नई नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके फुल रिव्यूज़ करता हूँ और उन मूवीज़ के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। वैसे दोस्तों, युवरत्ना मूवी को 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा रहा था। वैसे दोस्तों, मूवी के जो एक्टर है वो तो इस दुनिया के अंदर नहीं है, पर उनकी जो एक्टिंग है और उनका डांस है वो इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने वाला है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, कहानी क्या है, मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, बात करें मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है वो एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा और ड्रामा भी इस मूवी के अंदर भरपूर है। आगे बात करते हैं मूवी के बारे में तो रन टाइम इस मूवी का 2.5 घंटे का है, पर आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करें मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर उपलब्ध है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है अमेजन प्राइम पर। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि ये मूवी हमें फ्री में देखना है, तो भाई ये मूवी आपको फ्री में जो है वो अनऑफिशियल वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये मूवी जो थी उसको IMDB की तरफ से रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6.2 की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। और दोस्तों, इस मूवी को 85% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से। मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष अनंत राम ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग शायद मूवीज़ देखते आ रहे होंगे साउथ की तो इनको जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और इन्होंने यश साथ ही में जो है यश कुमार के साथ भी मूवीज़ बनाई हुई है, जैसे कि गजा केसरी, मिफ्टर एंड मिसेज रामजरी, और एक और मूवी बनाई थी इन्होंने राजा कुमारा, जो काफ़ी शानदार मूवी थी। और इस मूवी के अंदर भी आपको पुनीत राजकुमार देखने को मिल रहे थे। तो बात करें मूवी के मेन किरदार के बारे में तो मूवी के अंदर आपको पुनीत राजकुमार, सैयद सहगल, इसके अलावा सोनू, धनंजय, त्रिवेणी राव, काव्या सेठी, प्रकाश राज, बम ईरानी, राधिका शरद कुमार, साई कुमार, अविनाश, सुधा रानी, साधु कोकिला और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी शानदार है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जो पुनीत राजकुमार है वो यहाँ पर अर्जुन के रोल में है, और सैयद साहब यहाँ पर वंदना के रोल में है, और सोनू यहाँ पर लवेर के रोल में होते हैं। नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस मूवी की कहानी समझ जाए वो भी आसानी से। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों ये मूवी हिट रही थी, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल का म्यूजिक जो होता है थमन एस का देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब सच में कमाल का म्यूजिक है और जो आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है युवरत्न की शुरुआत होती है, और RK यूनिवर्सिटी के छात्रा समीरा द्वारा मेघावी छात्रा होने के बावजूद CET परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या से होती है। जो मूवी की कहानी में स्टार्टिंग में ही आपको एक लड़की जो है वो सुसाइड करते हुए देखने को मिलती है। फिर आगे कुछ होता यूँ है कि गुरुदेव देशमुख जो RK यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते हैं और समीरा के शिक्षक भी है और व्यवस्थित है, और अपने पूर्व छात्र समर्थ भागवत के समर्थन से सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रभावशाली छात्रों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को धन को वंचित करने के लिए अवसरों में घिरावट के लिए निजी कॉलेजों के खिलाफ याचिका दायर करते हैं, जो वर्तमान बेंगलुरु DC और शिक्षा मंत्री रघु रेड्डी है। एंटली जोसेफ जो एक लाभ के लिए निजी कॉलेज चलाता है, याचिका को रोकने के लिए राज्यभर में गैंगस्टर भेजकर जवाबी कार्यवाही कराता है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है और उसकी पिटाई की जाती है। छात्र नेता अर्जुन जिसे कॉलेज के खिलाफ जाने के कारण बाहर निकल दिया होता है। तो कहानी दोस्तों, वैसे मैं आपको इस मूवी के शॉर्ट में समझाऊँ तो काफ़ी सिंपल है, जो आप इसके बारे में समझ जाएंगे, और कहानी काफ़ी अमेजिंग है जो हर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको अच्छी लगेंगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो दोस्तों एक अलग थोड़ी कहानी दिखाई गई है, जो कि ऐसी मूवीज़ मैंने पहले देखी नहीं है, बहुत ही कम मूवीज़ बनी है। शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण के कारण RK कॉलेज बंद होने का कगार पर होता है, हालांकि प्रिंसिपल और एक छात्र ऐसा होने से रोकने के लिए हाथ मिला लेते हैं। तो यही इस मूवी का मेन कहानी होता है। इस मूवी के अंदर जो हीरो होता है यहाँ पर पुनीत है, मतलब जो अर्जुन है वो इस कॉलेज को बचाता है। कॉलेज जो है क्यों बंद होने वाली थी उसकी वजह आप इस मूवी को देखेंगे तो जान जाएंगे, क्योंकि कॉलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हो रहे थे और बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे थे। इसलिए दोस्तों ये जो मूवी है वो आपको जो है बहुत कुछ सिखा भी देंगी और मूवी आपको फुल एंटरटेनमेंट कराएंगी। कुल मिलाकर मूवी काफ़ी कमाल की है, डबिंग इस मूवी के काफ़ी सही है और इस मूवी के गाने भी दोस्तों डब किए गए हैं।
तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो अक्सर मूवी टीवी पर आती है, आप इस मूवी को टीवी पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है, अगर यूट्यूब प्रीमियर होता है तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आप सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको यहाँ पर जो नई मूवीज़ आती रहेंगी उनके बारे में जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को मिस मत कीजिए। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मूवी आपको कैसे लगी। बाकी दोस्तों ये मूवी यूट्यूब पर आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों अगर आप लोग भी युवरत्न मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, साथ ही में मूवी कहां पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता के रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहां पर मैं जो नई नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके फुल रिव्यूज़ करता हूँ और उन मूवीज़ के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। वैसे दोस्तों युवरत्न मूवी को 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा रहा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो एक्टर है वो तो इस दुनिया के अंदर नहीं है, पर उनकी जो एक्टिंग है और उनका डांस है वो इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने वाला है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, कहानी क्या है, मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है वो एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा, और ड्रामा भी इस मूवी के अंदर भरपूर है। आगे बात करते हैं मूवी के बारे में, तो रन टाइम इस मूवी का 2.5 घंटे का है, पर आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करें मूवी हिंदी के अंदर कहां पर उपलब्ध है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है अमेजन प्राइम पर। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि ये मूवी हमें फ्री में देखना है, तो भाई ये मूवी आपको फ्री में जो है वो अनऑफिशियल वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी जो थी उसको आईएमडीबी की तरफ से रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली थी, क्योंकि जो आईएमडीबी है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 6.2 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। और दोस्तों इस मूवी को 85% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से। मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष अनंत राम ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग शायद मूवीज़ देखते आ रहे होंगे साउथ की तो इनको जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है, और इन्होंने यश साथ ही में जो है यश कुमार के साथ भी मूवीज़ बनाई हुई है, जैसे कि गजा केसरी, मिफ्टर एंड मिसेज रामजरी, और एक और मूवी बनाई थी इन्होंने राजा कुमारा, जो काफ़ी शानदार मूवी थी, और इस मूवी के अंदर भी आपको पुनीत राजकुमार देखने को मिल रहे थे। तो बात करें मूवी के मेन किरदार के बारे में, तो मूवी के अंदर आपको पुनीत राजकुमार, सैयद सहगल, इसके अलावा सोनू, धनंजय, त्रिवेणी राव, काव्या सेठी, प्रकाश राज, बम ईरानी, राधिका शरद कुमार, साई कुमार, अविनाश, सुधा रानी, साधु कोकिला, और भी यहां पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी शानदार है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जो पुनीत राजकुमार है वो यहाँ पर अर्जुन के रोल में है, और सैयद शाह है वो यहाँ पर वंदना के रोल में है, और सोनू यहाँ पर लवेर के रोल में होते हैं। नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस मूवी की कहानी समझ जाए वो भी आसानी से। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों ये मूवी हिट रही थी, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल का म्यूजिक जो होता है थमन एस का देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब सच में कमाल का म्यूजिक है और जो आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है युवरत्न की, जो युवरत्न की शुरुआत होती है, और आर के यूनिवर्सिटी के छात्रा समीरा द्वारा मेघावी छात्रा होने के बावजूद CET परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या से होती है। जो मूवी की कहानी में स्टार्टिंग में ही आपको एक लड़की जो है वो सुसाइड करते हुए देखने को मिलती है। फिर आगे कुछ होता यूँ है कि गुरुदेव देशमुख जो आर के यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते हैं और समीरा के शिक्षक भी है, और व्यवस्थित है, और अपने पूर्व छात्र समर्थ भागवत के समर्थन से सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रभावशाली छात्रों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को धन को वंचित करने के लिए अवसरों में घिरावट के लिए निजी कॉलेजों के खिलाफ याचिका दायर करते हैं, जो वर्तमान बेंगलुरु DC और शिक्षा मंत्री रघु रेड्डी है। एंटली जोसेफ जो एक लाभ के लिए निजी कॉलेज चलाता है, यात्रिका को रोकने के लिए राज्यभर में गैंगस्टर भेजकर जवाबी कार्रवाई कराता है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है और उसकी पिटाई की जाती है।
छात्र नया था अर्जुन, जिसे कॉलेज के खिलाफ जाने के कारण बाहर निकल दिया होता है। तो कहानी दोस्तों, वैसे मैं आपको इस मूवी के शॉर्ट में समझाऊँ तो काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, और कहानी काफ़ी अमेजिंग है, जो हर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको अच्छी लगेंगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो दोस्तों एक अलग थोड़ी कहानी दिखाई गई है, जो कि ऐसी मूवीज़ मैंने पहले देखी नहीं है, बहुत ही कम मूवीज़ बनी है। शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण के कारण आर के कॉलेज बंद होने का कगार पर होता है। हालांकि प्रिंसिपल और एक छात्र ऐसा होने से रोकने के लिए हाथ मिला लेते हैं। तो यही इस मूवी का मेन कहानी होता है। इस मूवी के अंदर जो हीरो होता है, यहाँ पर पुनीत है, मतलब जो अर्जुन है, वो इस कॉलेज को बचाता है। कॉलेज जो है क्यों बंद होने वाली थी, उसकी वजह आप इस मूवी को देखने तो जान जाएंगे, क्योंकि कॉलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हो रहे थे और बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे थे। इसलिए दोस्तों, ये जो मूवी है वो आपको जो है बहुत कुछ सिखा भी देंगी, और मूवी आपको फुल एंटरटेनमेंट कराएंगी। कुल मिलाकर मूवी काफ़ी कमाल की है, डबिंग इस मूवी के काफ़ी सही है, और इस मूवी के गाने भी दोस्तों डब किए गए हैं। तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो अक्सर मूवी टीवी पर आती है, आप इस मूवी को टीवी पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है, अगर यूट्यूब प्रीमियर होता है तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको यहाँ पर जो नई मूवीज़ आती रहेंगी उनके बारे में जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को मिस मत कीजिए। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको कैसे लगी। बाकी दोस्तों, ये मूवी यूट्यूब पर आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, अगर आप लोग भी युवरत्न मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, साथ ही में मूवी कहां पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता के रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पर मैं जो नई नई मूवीज़ आती है साउथ की, उनके फुल रिव्यूज़ करता हूँ और उन मूवीज़ के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। वैसे दोस्तों, युवरत्न मूवी को 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा रहा था। वैसे दोस्तों, मूवी के जो एक्टर है वो तो इस दुनिया के अंदर नहीं है, पर उनकी जो एक्टिंग है और उनका डांस है वो इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने वाला है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, कहानी क्या है, मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, बात करें मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है वो एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा, और ड्रामा भी इस मूवी के अंदर भरपूर है। आगे बात करते हैं मूवी के बारे में, तो रन टाइम इस मूवी का 2.5 घंटे का है, पर आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करें मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर उपलब्ध है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है अमेजन प्राइम पर। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि ये मूवी हमें फ्री में देखना है, तो भाई ये मूवी आपको फ्री में जो है वो अनऑफिशियल वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी, जहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी जो थी उसको IMDB की तरफ से रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 6.2 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। और दोस्तों, इस मूवी को 85% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से। मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष अनंत राम ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग शायद मूवीज़ देखते आ रहे होंगे साउथ की तो इनको जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है, और इन्होंने यश साथ ही में जो है यश कुमार के साथ भी मूवीज़ बनाई हुई है, जैसे कि गजा केसरी, मिफ्टर एंड मिसेज रामजरी, और एक और मूवी बनाई थी इन्होंने राजा कुमारा, जो काफ़ी शानदार मूवी थी, और इस मूवी के अंदर भी आपको पुनीत राजकुमार देखने को मिल रहे थे। तो बात करें मूवी के मेन किरदार के बारे में, तो मूवी के अंदर आपको पुनीत राजकुमार, सैयद सहगल, इसके अलावा सोनू, धनंजय, त्रिवेणी राव, काव्या सेठी, प्रकाश राज, बम ईरानी, राधिका शरद कुमार, साई कुमार, अविनाश, सुधा रानी, साधु कोकिला, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी शानदार है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जो पुनीत राजकुमार है वो यहाँ पर अर्जुन के रोल में है, और सैयद साहब यहाँ पर वंदना के रोल में है, और सोनू यहाँ पर लवेर के रोल में होते हैं। नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस मूवी की कहानी समझ जाए वो भी आसानी से। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों ये मूवी हिट रही थी, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल का म्यूजिक जो होता है थमन एस का देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब सच में कमाल का म्यूजिक है, और जो आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में, कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा।
तो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है युवरत्न की शुरुआत होती है, और आर के यूनिवर्सिटी के छात्रा समीरा द्वारा मेघावी छात्रा होने के बावजूद CET परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या से होती है। जो मूवी की कहानी में स्टार्टिंग में ही आपको एक लड़की जो है वो सुसाइड करते हुए देखने को मिलती है। फिर आगे कुछ होता यूँ है कि गुरुदेव देशमुख जो आर के यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते हैं और समीरा के शिक्षक भी है और व्यवस्थित है, और अपने पूर्व छात्र समर्थ भागवत के समर्थन से सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रभावशाली छात्रों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को धन को वंचित करने के लिए अवसरों में घिरावट के लिए निजी कॉलेजों के खिलाफ याचिका दायर करते हैं। जो वर्तमान बेंगलुरु DC और शिक्षा मंत्री रघु रेड्डी है। एंटली जोसेफ जो एक लाभ के लिए निजी कॉलेज चलाता है, याचिका को रोकने के लिए राज्य भर में गैंगस्टर भेजकर जवाबी कार्यवाही कराता है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है और उसकी पिटाई की जाती है। छात्र नेता अर्जुन जिसे कॉलेज के खिलाफ जाने के कारण बाहर निकाल दिया होता है। तो कहानी दोस्तों, वैसे मैं आपको इस मूवी के शॉर्ट में समझाऊँ तो काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, और कहानी काफ़ी अमेजिंग है, जो हर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको अच्छी लगेंगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो दोस्तों एक अलग थोड़ी कहानी दिखाई गई है, जो कि ऐसी मूवीज़ मैंने पहले देखी नहीं है, बहुत ही कम मूवीज़ बनी है। शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण के कारण आर के कॉलेज बंद होने का कगार पर होता है। हालांकि प्रिंसिपल और एक छात्र ऐसा होने से रोकने के लिए हाथ मिला लेते हैं। तो यही इस मूवी का मेन कहानी होता है। इस मूवी के अंदर जो हीरो होता है वो यहाँ पर पुनीत है, मतलब जो अर्जुन है वो इस कॉलेज को बचाता है। कॉलेज जो है क्यों बंद होने वाली थी उसकी वजह आप इस मूवी को देखेंगे तो जान जाएंगे, क्योंकि कॉलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हो रहे थे और बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे थे। इसलिए दोस्तों ये जो मूवी है वो आपको जो है बहुत कुछ सिखा भी देंगी और मूवी आपको फुल एंटरटेनमेंट कराएंगी। कुल मिलाकर मूवी काफ़ी कमाल की है। डबिंग इस मूवी के काफ़ी सही है और इस मूवी के गाने भी दोस्तों डब किए गए हैं। तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो अक्सर मूवी टीवी पर आती है, आप इस मूवी को टीवी पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है। अगर यूट्यूब प्रीमियर होता है तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको यहाँ पर जो नई मूवीज़ आती रहेंगी उनके बारे में जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को मिस मत कीजिए। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको कैसे लगी। बाकी दोस्तों ये मूवी यूट्यूब पर आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों अगर आप लोग भी युवरत्न मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, साथ ही में मूवी कहां पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता के रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पर मैं जो नई नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके फुल रिव्यूज़ करता हूँ और उन मूवीज़ के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। वैसे दोस्तों युवरत्न मूवी को 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा रहा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो एक्टर है वो तो इस दुनिया के अंदर नहीं है, पर उनकी जो एक्टिंग है और उनका डांस है वो इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने वाला है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, कहानी क्या है, मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है वो एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा और ड्रामा भी इस मूवी के अंदर भरपूर है। आगे बात करते हैं मूवी के बारे में, तो रन टाइम इस मूवी का 2.5 घंटे का है, पर आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करें मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर उपलब्ध है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है अमेजन प्राइम पर। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि ये मूवी हमें फ्री में देखना है, तो भाई ये मूवी आपको फ्री में जो है वो अनऑफिशियल वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी जो थी उसको IMDb की तरफ से रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली थी, क्योंकि जो IMDb है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 6.2 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। और दोस्तों इस मूवी को 85% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से। मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष आनंद राम ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग शायद मूवीज़ देखते आ रहे होंगे साउथ की तो इनको जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है, और इन्होंने यश साथ ही में जो है यश कुमार के साथ भी मूवीज़ बनाई हुई है, जैसे कि गजा केसरी, मिस्टर एंड मिसेज रामजरी, और एक और मूवी बनाई थी इन्होंने राजा कुमारा,
जो काफ़ी शानदार मूवी थी। और इस मूवी के अंदर भी आपको पुनीत और राजकुमार देखने को मिल रहे थे। तो बात करें मूवी के मेन किरदार के बारे में, तो मूवी के अंदर आपको पुनीत राजकुमार, सैयद सहगल, इसके अलावा सोनू, धनंजय, त्रिवेणी राव, काव्या सेठी, प्रकाश राज, बम ईरानी, राधिका शरद कुमार, साई कुमार, अविनाश, सुधा रानी, साधु कोकिला, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी शानदार है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जो पुनीत राजकुमार है वो यहाँ पर अर्जुन के रोल में है, और जो सैयद शाह है वो यहाँ पर वंदना के रोल में है, और सोनू यहाँ पर लवेर के रोल में होते हैं। नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस मूवी की कहानी समझ जाए, वो भी आसानी से। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों ये मूवी हिट रही थी, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल का म्यूजिक जो होता है थमन एस का देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब सच में कमाल का म्यूजिक है, और जो आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में, कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है युवरत्न की, जो युवरत्न की शुरुआत होती है, और आर के यूनिवर्सिटी के छात्रा समीरा द्वारा मेघावी छात्रा होने के बावजूद CET परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या से होती है। जो मूवी की कहानी में स्टार्टिंग में ही आपको एक लड़की जो है वो सुसाइड करते हुए देखने को मिलती है। फिर आगे कुछ होता यूँ है कि गुरुदेव देशमुख, जो आर के यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते हैं और समीरा के शिक्षक भी है, और व्यवस्थित है, और अपने पूर्व छात्र समर्थ भागवत के समर्थन से सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रभावशाली छात्रों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को धन को वंचित करने के लिए अवसरों में घिरावट के लिए निजी कॉलेजों के खिलाफ याचिका दायर करते हैं। जो वर्तमान बेंगलुरु DC और शिक्षा मंत्री राघव रेड्डी है, एंटली जोसेफ जो एक लाभ के लिए निजी कॉलेज चलाता है, यात्रिका को रोकने के लिए राज्यभर में गैंगस्टर भेजकर जवाबी कार्यवाही कराता है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है और उसकी पिटाई की जाती है। छात्र नेता अर्जुन जिसे कॉलेज के खिलाफ जाने के कारण बाहर निकाल दिया होता है। तो कहानी दोस्तों वैसे मैं आपको इस मूवी के शॉर्ट में समझाऊँ तो काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, और कहानी काफ़ी अमेजिंग है, जो हर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको अच्छी लगेंगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो दोस्तों एक अलग थोड़ी कहानी दिखाई गई है, जो कि ऐसी मूवीज़ मैंने पहले देखी नहीं है, बहुत ही कम मूवीज़ बनी है। शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण के कारण आर के कॉलेज बंद होने का कगार पर होता है, हालांकि प्रिंसिपल और एक छात्र ऐसा होने से रोकने के लिए हाथ मिला लेते हैं। तो यही इस मूवी का मेन कहानी होता है। इस मूवी के अंदर जो हीरो होता है वो यहाँ पर पुनीत है, मतलब जो अर्जुन है वो उस कॉलेज को बजाता है। कॉलेज जो है क्यों बंद होने वाली थी उसकी वजह आप इस मूवी को देखेंगे तो जान जाएंगे, क्योंकि कॉलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हो रहे थे और बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे थे। इसलिए दोस्तों ये जो मूवी है वो आपको जो है बहुत कुछ सिखा भी देंगी, और मूवी आपको फुल एंटरटेनमेंट कराएंगी। कुल मिलाकर मूवी काफ़ी कमाल की है, डबिंग इस मूवी के काफ़ी सही है, और इस मूवी के गाने भी दोस्तों डब किए गए हैं। तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो अक्सर मूवी टीवी पर आती है, आप इस मूवी को टीवी पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है, अगर YouTube प्रीमियर होता है तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको यहाँ पर जो नई मूवीज़ आती रहेंगी उनके बारे में जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को मिस मत कीजिए। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मूवी आपको कैसे लगी। बाकी दोस्तों ये मूवी यूट्यूब पर आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों अगर आप लोग भी युवरत्न मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, साथ ही में मूवी कहां पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता के रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पर मैं जो नई नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके फुल रिव्यूज़ करता हूँ और उन मूवीज़ के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। वैसे दोस्तों युवरत्न मूवी को 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा रहा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो एक्टर है वो तो इस दुनिया के अंदर नहीं है, पर उनकी जो एक्टिंग है और उनका डांस है वो इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने वाला है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, कहानी क्या है, मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों बात करें मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है वो एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा, और ड्रामा भी इस मूवी के अंदर भरपूर है। आगे बात करते हैं मूवी के बारे में, तो रन टाइम इस मूवी का 2.5 घंटे का है, पर आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है।
अब हम बात करें मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर उपलब्ध है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है अमेजन प्राइम पर। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि ये मूवी हमें फ्री में देखना है, तो भाई ये मूवी आपको फ्री में जो है वो अनऑफिशियल वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी जो थी उसको IMDB की तरफ से रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6.2 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। और दोस्तों इस मूवी को 85% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से। मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष अनंत राम ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग शायद मूवीज़ देखते आ रहे होंगे साउथ की तो इनको जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है, और इन्होंने यश साथ ही में जो है यश कुमार के साथ भी मूवीज़ बनाई हुई है, जैसे कि गजा केसरी, मिफ्टर एंड मिसेज रामजरी, और एक और मूवी बनाई थी इन्होंने राजा कुमारा, जो काफ़ी शानदार मूवी थी। और इस मूवी के अंदर भी आपको पुनीत राजकुमार देखने को मिल रहे थे। तो बात करें मूवी के मेन किरदार के बारे में, तो मूवी के अंदर आपको पुनीत राजकुमार, सैयद सहगल, इसके अलावा सोनू, धनंजय, त्रिवेणी राव, काव्या सेठी, प्रकाश राज, बम ईरानी, राधिका शरद कुमार, साई कुमार, अविनाश, सुधा रानी, साधु कोकिला, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी शानदार है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जो पुनीत राजकुमार है वो यहाँ पर अर्जुन के रोल में है, और सैयद शाह है वो यहाँ पर वंदना के रोल में है, और सोनू यहाँ पर लवेर के रोल में होते हैं। नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस मूवी की कहानी समझ जाए वो भी आसानी से। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों ये मूवी हिट रही थी, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल का म्यूजिक जो होता है थमन एस का देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब सच में कमाल का म्यूजिक है और जो आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है युवरत्न की शुरुआत होती है, और RK यूनिवर्सिटी के छात्रा समीरा द्वारा मेघावी छात्रा होने के बावजूद CET परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या से होती है। जो मूवी की कहानी में स्टार्टिंग में ही आपको एक लड़की जो है वो सुसाइड करते हुए देखने को मिलती है। फिर आगे कुछ होता यूँ है कि गुरुदेव देशमुख जो RK यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते हैं और समीरा के शिक्षक भी है और व्यवस्थित है, और अपने पूर्व छात्र समर्थ भागवत के समर्थन से सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रभावशाली छात्रों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को धन को वंचित करने के लिए अवसरों में घिरावट के लिए निजी कॉलेजों के खिलाफ याचिका दायर करते हैं, जो वर्तमान बेंगलुरु DC और शिक्षा मंत्री रघु रेड्डी है। एंटली जोसेफ जो एक लाभ के लिए निजी कॉलेज चलाता है, यात्रिका को रोकने के लिए राज्यभर में गैंगस्टर भेजकर जवाबी कार्यवाही कराता है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है और उसकी पिटाई की जाती है। छात्र नेता अर्जुन जिसे कॉलेज के खिलाफ जाने के कारण बाहर निकल दिया होता है। तो कहानी दोस्तों वैसे मैं आपको इस मूवी के शॉर्ट में समझाऊँ तो काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बारे में समझ जाएंगे, और कहानी काफ़ी अमेजिंग है, जो हर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको अच्छी लगेंगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो दोस्तों एक अलग थोड़ी कहानी दिखाई गई है, जो कि ऐसी मूवीज़ मैंने पहले देखी नहीं है, बहुत ही कम मूवीज़ बनी है। शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण के कारण RK कॉलेज बंद होने का कगार पर होता है, हालांकि प्रिंसिपल और एक छात्र ऐसा होने से रोकने के लिए हाथ मिला लेते हैं। तो यही इस मूवी का मेन कहानी होता है। इस मूवी के अंदर जो हीरो होता है यहाँ पर पुनीत है, मतलब जो अर्जुन है वो इस कॉलेज को बचाता है। कॉलेज जो है क्यों बंद होने वाली थी उसकी वजह आप इस मूवी को देखेंगे तो जान जाएंगे, क्योंकि कॉलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हो रहे थे और बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे थे। इसलिए दोस्तों ये जो मूवी है वो आपको जो है बहुत कुछ सिखा भी देंगी, और मूवी आपको फुल एंटरटेनमेंट कराएंगी। कुल मिलाकर मूवी काफ़ी कमाल की है, डबिंग इस मूवी के काफ़ी सही है, और इस मूवी के गाने भी दोस्तों डब किए गए हैं। तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो अक्सर मूवी टीवी पर आती है, आप इस मूवी को टीवी पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है, अगर यूट्यूब प्रीमियर होता है तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको यहाँ पर जो नई मूवीज़ आती रहेंगी उनके बारे में जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को मिस मत कीजिए। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मूवी आपको कैसे लगी। बाकी दोस्तों ये मूवी यूट्यूब पर आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों अगर आप लोग भी युवरत्न मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, साथ ही में मूवी कहां पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता के रखा है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पर मैं जो नई नई मूवीज़ आती है साउथ की, उनके फुल रिव्यूज़ करता हूँ और उन मूवीज़ के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। वैसे दोस्तों, युवरत्ना मूवी को 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा रहा था। वैसे दोस्तों, मूवी के जो एक्टर है वो तो इस दुनिया के अंदर नहीं है, पर उनकी जो एक्टिंग है और उनका डांस है वो इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने वाला है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, कहानी क्या है, मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, बात करें मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है वो एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा और ड्रामा भी इस मूवी के अंदर भरपूर है। आगे बात करते हैं मूवी के बारे में, तो रन टाइम इस मूवी का 2.5 घंटे का है, पर आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करें मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर उपलब्ध है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है अमेजन प्राइम पर। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि ये मूवी हमें फ्री में देखना है, तो भाई ये मूवी आपको फ्री में जो है वो अनऑफिशियल वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी जो थी उसको IMDB की तरफ से रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6.2 की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। और दोस्तों इस मूवी को 85% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से। मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष आनंद राम ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग शायद मूवीज़ देखते आ रहे होंगे साउथ की तो इनको जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और इन्होंने यश साथ ही में जो है यश कुमार के साथ भी मूवीज़ बनाई हुई है, जैसे कि गजा केसरी, मिस्टर एंड मिसेज रामजरी, और एक और मूवी बनाई थी इन्होंने राजा कुमारा, जो काफ़ी शानदार मूवी थी। और इस मूवी के अंदर भी आपको पुनीत राजकुमार देखने को मिल रहे थे। तो बात करें मूवी के मेन किरदार के बारे में, तो मूवी के अंदर आपको पुनीत राजकुमार, सैयद सहगल, इसके अलावा सोनू, धनंजय, त्रिवेणी राव, काव्या सेठी, प्रकाश राज, बम ईरानी, राधिका शरद कुमार, साई कुमार, अविनाश, सुधा रानी, साधु कोकिला, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी शानदार है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जो पुनीत राजकुमार है वो यहाँ पर अर्जुन के रोल में है, और जो सैयद शाह है वो यहाँ पर वंदना के रोल में है, और सोनू यहाँ पर लवेर के रोल में होते हैं। नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस मूवी की कहानी समझ जाए वो भी आसानी से। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों ये मूवी हिट रही थी, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल का म्यूजिक जो होता है थमन एस का देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब सच में कमाल का म्यूजिक है और जो आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में, कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है युवरत्न की, जो युवरत्न की शुरुआत होती है, और RK यूनिवर्सिटी के छात्रा समीरा द्वारा मेधावी छात्रा होने के बावजूद CET परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या से होती है। जो मूवी की कहानी में स्टार्टिंग में ही आपको एक लड़की जो है वो सुसाइड करते हुए देखने को मिलती है। फिर आगे कुछ होता यूँ है कि गुरुदेव देशमुख, जो RK यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते हैं और समीरा के शिक्षक भी है, और व्यवस्थित है और अपने पूर्व छात्र समर्थ भागवत के समर्थन से सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रभावशाली छात्रों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को धन को वंचित करने के लिए अवसरों में घिरावट के लिए निजी कॉलेजों के खिलाफ याचिका दायर करते हैं, जो वर्तमान बेंगलुरु DC और शिक्षा मंत्री रघु रेड्डी है। एंटली जोसेफ, जो एक लाभ के लिए निजी कॉलेज चलाता है, यात्रिका को रोकने के लिए राज्यभर में गैंगस्टर भेजकर जवाबी कार्यवाही कराता है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है और उसकी पिटाई की जाती है। छात्र नेता अर्जुन, जिसे कॉलेज के खिलाफ जाने के कारण बाहर निकल दिया होता है। तो कहानी दोस्तों, वैसे मैं आपको इस मूवी के शॉर्ट में समझाऊँ तो काफ़ी सिंपल है, जो आप इसके बारे में समझ जाएंगे, और कहानी काफ़ी अमेजिंग है, जो हर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको अच्छी लगेंगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो दोस्तों एक अलग थोड़ी कहानी दिखाई गई है, जो कि ऐसी मूवीज़ मैंने पहले देखी नहीं है, बहुत ही कम मूवीज़ बनी है। शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण के कारण RK कॉलेज बंद होने का कारोबार होता है, हालांकि प्रिंसिपल और एक छात्र ऐसा होने से रोकने के लिए हाथ मिला लेते हैं। तो यही इस मूवी का मेन कहानी होता है। इस मूवी के अंदर जो हीरो होता है यहाँ पर पुनीत है, मतलब जो अर्जुन है वो उस कॉलेज को बचाता है। कॉलेज जो है क्यों बंद होने वाली थी उसकी वजह आप इस मूवी को देखेंगे तो जान जाएंगे, क्योंकि कॉलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हो रहे थे और बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे थे। इसलिए दोस्तों ये जो मूवी है वो
आपको जो है बहुत कुछ सिखा भी देंगी और मूवी आपको फुल एंटरटेनमेंट कराएंगी। कुल मिलाकर मूवी काफ़ी कमाल की है, डबिंग इस मूवी के काफ़ी सही है और इस मूवी के गाने भी दोस्तों डब किए गए हैं। तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो अक्सर मूवी टीवी पर आती है, आप इस मूवी को टीवी पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है, अगर यूट्यूब प्रीमियर होता है तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आप सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको यहाँ पर जो नई मूवीज़ आती रहेंगी उनके बारे में जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को मिस मत कीजिए। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मूवी आपको कैसे लगी। बाकी दोस्तों ये मूवी यूट्यूब पर आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों अगर आप लोग भी युवरत्न मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, साथ ही में मूवी कहां पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता के रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहां पर मैं जो नई नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके फुल रिव्यूज़ करता हूँ और उन मूवीज़ के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। वैसे दोस्तों युवरत्न मूवी को 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा रहा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो एक्टर है वो तो इस दुनिया के अंदर नहीं है, पर उनकी जो एक्टिंग है और उनका डांस है वो इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने वाला है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, कहानी क्या है, मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है वो एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा और ड्रामा भी इस मूवी के अंदर भरपूर है। आगे बात करते हैं मूवी के बारे में, तो रन टाइम इस मूवी का 2.5 घंटे का है, पर आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करें मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर उपलब्ध है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है अमेजन प्राइम पर। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि ये मूवी हमें फ्री में देखना है, तो भाई ये मूवी आपको फ्री में जो है वो अनऑफिशियल वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी जो थी उसको IMDB की तरफ से रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 6.2 की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। और दोस्तों इस मूवी को 85% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से। मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष अनंत राम ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग शायद मूवीज़ देखते आ रहे होंगे साउथ की तो इनको जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और इन्होंने यश साथ ही में जो है यश कुमार के साथ भी मूवीज़ बनाई हुई है, जैसे कि गजा केसरी, मिफ्टर एंड मिसेज रामजरी, और एक और मूवी बनाई थी इन्होंने राजा कुमारा, जो काफ़ी शानदार मूवी थी। और इस मूवी के अंदर भी आपको पुनीत राजकुमार देखने को मिल रहे थे। तो बात करें मूवी के मैन किरदार के बारे में, तो मूवी के अंदर आपको पुनीत राजकुमार, सैयद सहगल, इसके अलावा सोनू, धनंजय, त्रिवेणी राव, काव्या सेठी, प्रकाश राज, बम ईरानी, राधिका शरद कुमार, साई कुमार, अविनाश, सुधा रानी, साधु कोकिला, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी शानदार है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जो पुनीत राजकुमार है वो यहाँ पर अर्जुन के रोल में है, और सैयद शाह वो यहाँ पर वंदना के रोल में है, और सोनू यहाँ पर लवेर के रोल में होते हैं। नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस मूवी की कहानी समझ जाए वो भी आसानी से। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों ये मूवी हिट रही थी, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल का म्यूजिक जो होता है थमन एस का देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब सच में कमाल का म्यूजिक है और जो आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है युवरत्न की शुरुआत होती है, और RK यूनिवर्सिटी के छात्रा समीरा द्वारा मेघावी छात्रा होने के बावजूद CET परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या से होती है। जो मूवी की कहानी में स्टार्टिंग में ही आपको एक लड़की जो है वो सुसाइड करते हुए देखने को मिलती है। फिर आगे कुछ होता यूँ है कि गुरुदेव देशमुख जो RK यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते हैं और समीरा के शिक्षक भी है और व्यवस्थित है, और अपने पूर्व छात्र समर्थ भागवत के समर्थन से सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रभावशाली छात्रों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को धन को वंचित करने के लिए अवसरों में घिरावट के लिए निजी कॉलेजों के खिलाफ याचिका दायर करते हैं, जो वर्तमान बेंगलुरु DC और शिक्षा मंत्री रघु रेड्डी है। एंटली जोसेफ जो एक लाभ के लिए निजी कॉलेज चलाता है,
यात्रिका को रोकने के लिए राज्य भर में गैंगस्टर भेजकर जवाबी कार्रवाई कराता है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है और उसकी पिटाई की जाती है। छात्र नेता अर्जुन, जिसे कॉलेज के खिलाफ जाने के कारण बाहर निकल दिया होता है। तो कहानी दोस्तों, वैसे मैं आपको इस मूवी के शॉर्ट में समझाऊँ तो काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, और कहानी काफ़ी अमेजिंग है, जो हर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको अच्छी लगेंगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो दोस्तों एक अलग थोड़ी कहानी दिखाई गई है, जो कि ऐसी मूवीज़ मैंने पहले देखी नहीं है, बहुत ही कम मूवीज़ बनी है। शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण के कारण आर के कॉलेज बंद होने का कगार पर होता है, हालांकि प्रिंसिपल और एक छात्र ऐसा होने से रोकने के लिए हाथ मिला लेते हैं। तो यही इस मूवी का मेन कहानी होता है। इस मूवी के अंदर जो हीरो होता है, यहाँ पर पुनीत है, मतलब जो अर्जुन है, वो इस कॉलेज को बचाता है। कॉलेज जो है क्यों बंद होने वाली थी, उसकी वजह आप इस मूवी को देखेंगे तो जान जाएंगे, क्योंकि कॉलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हो रहे थे और बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे थे। इसलिए दोस्तों, ये जो मूवी है वो आपको जो है बहुत कुछ सिखा भी देंगी, और मूवी आपको फुल एंटरटेनमेंट कराएंगी। कुल मिलाकर मूवी काफ़ी कमाल की है, डबिंग इस मूवी के काफ़ी सही है, और इस मूवी के गाने भी दोस्तों डब किए गए हैं। तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो अक्सर मूवी टीवी पर आती है, आप इस मूवी को टीवी पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है, अगर यूट्यूब प्रीमियर होता है तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको यहाँ पर जो नई मूवीज़ आती रहेंगी उनके बारे में जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को मिस मत कीजिए। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मूवी आपको कैसे लगी। बाकी दोस्तों, ये मूवी यूट्यूब पर आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, अगर आप लोग भी युवरत्न मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, साथ ही में मूवी कहां पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता के रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पर मैं जो नई नई मूवीज़ आती है साउथ की, उनके फुल रिव्यूज़ करता हूँ और उन मूवीज़ के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। वैसे दोस्तों, युवरत्न मूवी को 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा रहा था। वैसे दोस्तों, मूवी के जो एक्टर है वो तो इस दुनिया के अंदर नहीं है, पर उनकी जो एक्टिंग है और उनका डांस है वो इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने वाला है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, कहानी क्या है, मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, बात करें मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है वो एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो मूवी है इसके अंदर आपको जो है कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा, और ड्रामा भी इस मूवी के अंदर भरपूर है। आगे बात करते हैं मूवी के बारे में, तो रन टाइम इस मूवी का 2.5 घंटे का है, पर आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करें मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर उपलब्ध है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है अमेजन प्राइम पर। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि ये मूवी हमें फ्री में देखना है, तो भाई ये मूवी आपको फ्री में जो है वो अनऑफिशियल वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी, जहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी जो थी उसको IMDB की तरफ से रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6.2 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। और दोस्तों, इस मूवी को 85% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से। मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष अनंत राम ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग शायद मूवीज़ देखते आ रहे होंगे साउथ की, तो इनको जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है, और इन्होंने यश साथ ही में जो है यश कुमार के साथ भी मूवीज़ बनाई हुई है, जैसे कि गजा केसरी, मिस्टर एंड मिसेज रामजरी, और एक और मूवी बनाई थी इन्होंने राजा कुमारा, जो काफ़ी शानदार मूवी थी, और इस मूवी के अंदर भी आपको पुनीत राजकुमार देखने को मिल रहे थे। तो बात करें मूवी के मेन किरदार के बारे में, तो मूवी के अंदर आपको पुनीत राजकुमार, सैयद सहगल, इसके अलावा सोनू, धनंजय, त्रिवेणी राव, काव्या सेठी, प्रकाश राज, बम ईरानी, राधिका शरद कुमार, साई कुमार, अविनाश, सुधा रानी, साधु कोकिला, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी शानदार है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जो पुनीत राजकुमार है वो यहाँ पर अर्जुन के रोल में है, और सैयद साहब यहाँ पर वंदना के रोल में है, और सोनू यहाँ पर लवेर के रोल में होते हैं। नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस मूवी की कहानी समझ जाए वो भी आसानी से। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों ये मूवी हिट रही थी,
और इस मूवी के अंदर आपको कमाल का म्यूजिक जो होता है थमन एस का देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब सच में कमाल का म्यूजिक है और जो आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है युवरत्न की, जो युवरत्न की शुरुआत होती है और आर के यूनिवर्सिटी के छात्रा समीरा द्वारा मेधावी छात्रा होने के बावजूद CET परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या से होती है। जो मूवी की कहानी में स्टार्टिंग में ही आपको एक लड़की जो है वो सुसाइड करते हुए देखने को मिलती है। फिर आगे कुछ होता यूँ है कि गुरुदेव देशमुख जो आर के यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते हैं और समीरा के शिक्षक भी है और व्यवस्थित है और अपने पूर्व छात्र समर्थ भागवत के समर्थन से सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रभावशाली छात्रों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को धन को वंचित करने के लिए अवसरों में घिरावट के लिए निजी कॉलेजों के खिलाफ याचिका दायर करते हैं। जो वर्तमान बेंगलुरु DC और शिक्षा मंत्री रघु रेड्डी है। एंटली जोसेफ जो एक लाभ के लिए निजी कॉलेज चलाता है, यात्रिका को रोकने के लिए राज्यभर में गैंगस्टर भेजकर जवाबी कार्यवाही कराता है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है और उसकी पिटाई की जाती है। छात्र नेता अर्जुन जिसे कॉलेज के खिलाफ जाने के कारण बाहर निकल दिया होता है। तो कहानी दोस्तों, वैसे मैं आपको इस मूवी के शॉर्ट में समझाऊँ तो काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे और कहानी काफ़ी अमेजिंग है, जो हर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको अच्छी लगेंगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो दोस्तों एक अलग थोड़ी कहानी दिखाई गई है, जो कि ऐसी मूवीज़ मैंने पहले देखी नहीं है, बहुत ही कम मूवीज़ बनी है। शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण के कारण आर के कॉलेज बंद होने का कगार पर होता है। हालांकि प्रिंसिपल और एक छात्र ऐसा होने से रोकने के लिए हाथ मिला लेते हैं। तो यही इस मूवी का मेन कहानी होता है। इस मूवी के अंदर जो हीरो होता है वो यहाँ पर पुनीत है, मतलब जो अर्जुन है वो इस कॉलेज को बजाता है। कॉलेज जो है क्यों बंद होने वाली थी उसकी वजह आप इस मूवी को देखने तो जान जाएंगे, क्योंकि कॉलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हो रहे थे और बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे थे। इसलिए दोस्तों ये जो मूवी है वो आपको जो है बहुत कुछ सिखा भी देंगी और मूवी आपको फुल एंटरटेनमेंट कराएंगी। कुल मिलाकर मूवी काफ़ी कमाल की है, डबिंग इस मूवी के काफ़ी सही है और इस मूवी के गाने भी दोस्तों डब किए गए हैं। तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को अच्छी लगेंगी। अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो अक्सर मूवी टीवी पर आती है, आप इस मूवी को टीवी पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है, अगर यूट्यूब प्रीमियर होता है तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको यहाँ पर जो नई मूवीज़ आती रहेंगी उनके बारे में जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो काफ़ी सही मूवी बनी है, तो इस कमाल की मूवी को मिस मत कीजिए। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको कैसे लगी। बाकी दोस्तों ये मूवी यूट्यूब पर आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना।